समझ नहीं आया, कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लेना। एंड ये जो ट्रेनिंग है आपके स्टोर की ट्रेनिंग है, एंड इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर हो रही है, हम रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करेंगे इसकी। ओके, तो पहले मैं आप लोगों को एक बार ब्रीफ करती हूँ कि स्टोर होता क्या है। ओके, कैसे आप इसका यूज करेंगे, आपके लिए कैसे बेनिफिट रहेगा। तो बेसिकली स्टोर इज अ ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म। ये आपका ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी हेल्प करेगा विजिबिलिटी इंक्रीज करने में, आप रेवेन्यू भी जनरेट करोगे, स्टूडेंट बेस भी आपका बढ़ेगा। तो जैसे विवेक सर ने बताया, रुद्र सर ने बताया, माध्यम आपने बताया कि आप डिफरेंट डिफरेंट लाइक आपकी एक्सपर्टीज है, आप बच्चों को कोर्सेज प्रोवाइड करते हो, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक प्रॉपर कोर्स बनाओगे। ओके, कोर्स बनाएंगे, कंटेंट ऐड करोगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, लाइव क्लास ले सकते हो, फैकल्टी ऐड कर सकते हो, देन आप अपना एक कोर्स बनाकर पब्लिश करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, कुछ मार्केटिंग रिलेटेड चीजें रहेगी, मैं इन डेप्थ आप लोगों को कराऊंगी। ओके, बट प्लीज जो भी डाउट हो आप लोग क्लियर करते रहेंगे। आई एम ऑडिबल टू यू ऑल ना? यस मैम। ओके, एंड मैम मैम आप भी अनम्यूट रखना, विवेक सर एंड रुद्र सर आप लोग भी अनम्यूट रखना, जिससे क्या होगा, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपको कोई डाउट होता है तो हम कन्वे कर पाए, है ना, बात कर पाए दूसरे। मैम मेरे यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज रहेगा तो आई विल बी ऑन म्यूट, और जब बोलना है तब आई विल अनम्यूट। ठीक है डेफिनेटली। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी। तो आप लोग प्लीज, जैसे होता है हम वर्बली एक हद तक सुनते हैं, नहीं ग्रैब कर पाते इतना, तो पूछते रहना बस। ओके, एंड विवेक सर रुद्र सर आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? हाँ जी मैम। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट कर रही हूँ बताना। तो सबसे पहले मैं आपको लॉगिन से स्टार्ट करूंगी। जैसे आप लोगों ने ऐप तो डाउनलोड कर लिया अपना, राइट, अगर वही चीज अपने लैपटॉप पे लॉगिन करना है अपना ऐप, तो वो कैसे करेंगे पहले मैं बता रही हूँ। तो उसके लिए आपको देखो क्या करना है, मेरी स्क्रीन विजिबल है, जस्ट कन्फर्म मी वंस। ओके, अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, URL एंटर करना रहता है web.classplusapp.com। ओके, जब आप web.classplusapp.com एंटर करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल देंगे, ऑर्गेनाइजेशन कोड जो आपका मोबाइल ऐप होता है उसको ओपन करना। ओपन करने के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, उसी के नीचे मेंशन होते हैं। ओके, तो वो वाला ऑर्गेनाइजेशन कोड ऐड करना है, देन अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे आप। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपको इस नंबर पे OTP आएगा, देन आपको अपना वो OTP एंटर करके दोबारा प्रोसीड करना है, आपका पोर्टल कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। ओके, अब जब आपका पोर्टल लॉगिन हो गया आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ना राइट हैंड साइड में जहां पे आपका नेम आएगा उस पर क्लिक करना एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना, बिकॉज प्रोफाइल इंपॉर्टेंट होती है अपडेट करना। तो प्रोफाइल में जैसे अबाउट में एडिट पे क्लिक करके अपने बारे में आप फिल कर देना। ओके, थोड़ा एक लाइन मेंशन कर देना अपने बारे में। अबाउट के बाद आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट फिल होती है, जो फिल नहीं है आप फिल करेंगे। ओके, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आएगा अबाउट इंस्टीट्यूट। अगर आप लोगों का ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है आप उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। ओके, देन आता है बैंक डिटेल। अब यहाँ पे ना आप लोगों को अपना बैंक डिटेल फिल करना मैंडेटरी होगा, अदरवाइज आप कोर्स बनाकर पब्लिश नहीं कर पाओगे। बिकॉज क्यों, कोई भी स्टूडेंट जब आपका कोर्स परचेज करेगा तो जो अमाउंट होता है आपके बैंक में आता है इसलिए। एंड सपोज जैसे आपने एक बार यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड कर दी, आपको कभी भी चेंज करना है आप एडिट पे क्लिक करना, OTP आएगा, आप अपनी बैंक डिटेल चेंज कर सकते हो। बस जो ईमेल एड्रेस है वो हर बार सेम ईमेल एड्रेस नहीं यूज करेंगे आप। ओके, बिकॉज वो रेजर पे अकाउंट पे अपडेट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स डिटेल, अगर आपके पास GST नंबर है आप डाल दो, अगर नहीं है तो स्किप कर दो, कोई इश्यू नहीं रहेगा। मैम जीमेल मतलब ये ईमेल का मैं नहीं समझी, ईमेल का क्या होता है, जैसे सपोज अभी तो आपने डाल दिया, सपोज आप चेंज कर रहे हो, है ना, तो आपने एडिट पे क्लिक करा तो वहां पे ना ईमेल एड्रेस मांगेगा। ठीक है, तो इन केस जैसे आप ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं, सपोज जैसे आपने एक बार बैंक डिटेल चेंज करी अपना प्रीवियस वाला ईमेल एड्रेस रखा, दोबारा चेंज कर रहे हो तो जो प्रीवियस वाला है ना वो नहीं ईमेल एड्रेस यूज कर सकते, न्यू होना चाहिए, ये मतलब है। अच्छा, तो ईमेल एड्रेस भी चेंज करना कंपलसरी हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा, और हर बार न्यू होना चाहिए, अगर पुराना कर रहे हो तो वो लेगा नहीं, बिकॉज ना वो रेजर पे अकाउंट पे अपडेट होता है आपका ईमेल एड्रेस। और ईमेल एड्रेस पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन आती है जिसकी वजह से ईमेल एड्रेस मांगता ही है? जैसे ईमेल एड्रेस पे आपका क्या होता है, कोई भी डेटा आप कर रहे हो, आपका इनवॉइस हो गया, है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है पूरा। Okay. जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है। ओके, ठीक है।
देन टैक्स डिटेल मैंने बताया, जीएसटी नंबर है आप ऐड करिए, नहीं है स्किप कर दो। उसके बाद है सोशल मीडिया लिंक, आप लोग अपने सोशल मीडिया लिंक यहाँ पर अटैच कर सकते हो, जिससे क्या होता है स्टूडेंट के साथ आपकी एंगेजमेंट बनी रहती है सोशल साइट्स पर भी। ओके तो सबसे पहले आप प्रोफाइल अपडेट करना, उसके बाद देखिए मैंने स्टोर की ट्रेनिंग है, मैंने स्टोर पे क्लिक करा। सिंपल, मैं आप लोगों को आपका कोर्स बनाने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। यहाँ पे ना आप लोग जब अपना पोर्टल लॉग इन करेंगे या अपने फोन पे भी देखोगे तो माई कोर्सेज का जस्ट साइड में एक ऑप्शन दिखता है कॉन्टेंट मार्केट का। ओके तो ये जो कॉन्टेंट मार्केट होता है आप लोग जब देखेंगे ना अपने एंड पे तो ये आपको ना ऑफ दिखेगा, वहां पे ना डमी कोर्सेज आ रहे होंगे। ओके तो वो ओरिजिनल कोर्सेज नहीं होते। ये जो कंटेंट मार्केट होता है ये बैकेंड से ऑफ होता है। अगर आपको नीड है आप अपने ग्रोथ मैनेजर को बोलकर इसको ऑन कराओगे। जब आप इसे ऑन कराएंगे तो इस तरह से आपको अदर ट्यूटर्स के वेरियस कोर्सेज विजिबल होते हैं। ट्यूटर्स क्या करते हैं, जो क्लास प्लस से कनेक्टेड है वो अपना उस कॉन्टेंट मार्केट में एड कर दे का पर्पस, एंड सेकेंडरी मनी अर्न करना होगा। जैसे आप जैसे ट्यूटर हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, उनका कोर्स लेकर आगे रीसेल कर सकते हो। अगर अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक का भी मिल जाएगा, मैथ्स के भी बहुत कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, विवेक सर का जो एक्सपर्टीज था उससे भी रिलेटेड कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके मैम, हम अपना भी ऐसे कर सकते हैं क्या, हम अपना भी कोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल यस। तो जैसे ये आपको दूसरे ट्यूटर का दिख रहा है ना, जब आप कॉन्टेंट मार्केट ऑन कराओगे, ओके पहले आप तीनों को क्लियर करो, इसको ध्यान से समझना। जब कंटेंट मार्केट ऑन कराओगे तो जब आप कोर्स बना रहे होंगे ना तो वहां पे कोर्स शेयरिंग का ऑप्शन आएगा। ओके तो आप लोग भी अपना कोर्स कंटेंट मार्केट में ऐड कर सकते हैं, और जो सेंट्रल एग्जाम होते हैं उसके भी कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। ओके एंड इसमें क्या होता है, कमीशन भी सेट रहता है। जैसे आपका कोई कोर्स आगे रीसेल कर रहे हैं, जो भी हम देना चाहते हैं दे सकते हैं। हाँ तो आप तो कमीशन लोगे है ना। जैसे सपोज मैं दूसरी ट्यूटर हूँ, मैं आपका कोर्स आगे रीसेल कर रही हूँ अपने बच्चों को, तो आपका कंटेंट यूज कर रही हूँ ना मैं यहाँ पर, तो आप मेरे से कमीशन चार्ज कर सकते हो। ओके हाँ जी। तो इसके लिए जब मैं आप तीनों को सजेशन दूंगी, जब ऑन कराना तो इनका इन डेप्थ में ना एक बार अपने ग्रोथ मैनेजर से डिस्कस करके तभी ऐड करना पूरा। ओके क्लियर है कंटेंट मार्केट का कंसेप्ट, आप तीनों को एक बार कंफर्म कर दीजिए। जी मैम ठीक है। ओके उसके बाद देखिए माय कोर्सेज पे मैंने क्लिक करा, अब हम यहाँ पे आपका कोर्स बनाकर देखेंगे। तो जैसे केयर टेकर में आपका ये पूरा कार्ड दिखाता है, इसके बारे में अभी मैं ब्रीफ करूंगी। उसके नीचे देखिए स्टैट्स दिखेगी, स्टैट्स में आपकी ऑल इंडिया स्टोर रैंक कितना है वो दिखता है, आपने टोटल अर्निंग कितनी करी वो दिखेगा, कोर्स सब्सक्राइब कितने करे, पब्लिश कितने करे, इम्पोर्ट कितने करे, ये सारी चीजें दिखती है। इसके नीचे जो आप कूपन कोड बनाएंगे, मैं बनाना सिखाऊंगी पूरा आज की ट्रेन में, वो कूपन कोड दिखेगा। एंड इसके नीचे जो आप कोर्सेज बनाकर पब्लिश कर देते हो वो कोर्सेज दिखते हैं। ओके अब यहाँ पर हम बनाकर देखते हैं एक कोर्स पूरा प्रॉपर। आप लोगों को कोर्स बनाने के लिए क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्रिएट कोर्स लिखा आएगा, सिंपली क्रिएट कोर्स पे क्लिक कर दो। तो आप तीनों में से एनी वन ऑफ यू एक मुझे कोर्स नेम सजेस्ट करिए, तो मैं आपको ना पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि हम कोर्स बनाएंगे कैसे। कोई भी कोर्स नेम मुझे बताइए। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। तो जैसे आप लोगों को जो भी कोर्स बनाना है, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे स्टॉक मार्केट का हो, तो आप यहाँ पे इस तरह से कोर्स नेम डाल देंगे। ओके ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इज अ शॉर्ट पिच, ये समराइज फॉर्म में भी हो सकता है, पॉइंट फॉर्म में भी, कि आपके कोर्स का मॉड्यूल क्या है। अब बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में क्या कंसेप्ट है करने वाले, जो पढ़ाने वाले बच्चों को या उनको जो लर्निंग मिलेगी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है ठीक है। मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया बिकॉज ये स्कूल्स का आपको प्रॉपर नॉलेज होगी। ओके उसके बाद अपलोड फोटो। अगर आपने अपने कोर्स की कोई भी थंबनेल पिक बना रखी है तो आप अपलोड फोटो पे क्लिक करके वो कोर्स की थंबनेल पिक यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से लगती है। ओके यहाँ पे जो ये थंबनेल पिक का रेशियो होता है ये 4:3 होना चाहिए, एंड इन पिक्सल अगर मैं बात करूँ तो 1000x750 का पिक्सल होना चाहिए। ओके अदरवाइज क्या होता है, आप कोई भी पिक लगाओगे यहाँ पर लग तो जाएगी, जैसे ये पिक साइज में नहीं है लग गई, बट ये ना क्रॉप होकर लग गया। जब स्टूडेंट ऐप पर देखेंगे ना ये वाला कोर्स तो उनको ये पिक क्रॉप दिखेगी तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता, राइट। तो आप पिक साइज में लगाना। उसके बाद आता है कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। सो कैटेगरी सब कैटेगरी एज अ टैग हेल्प वर्क करता है। जैसे आप लोगों को भी कोई कोर्स सर्च करना होता है तो सिंपल स्टॉक मार्केट लिख दिया, मैथ्स लिख दिया, 11th क्लास लिख दिया, राइट, पॉलिटेक्निक लिख दिया, उसी से रिलेटेड सारे कोर्सेज आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप बच्चों के लिए कैटेगरी बनाते हैं कि अगर कोई बच्चा कैटेगरी के अकॉर्डिंग सर्च कर रहा है तो इजीली कर ले, राइट। तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड कैटेगरीज होती हैं, आपको सेलेक्ट करना होता है। इन केस अगर आपको यहाँ पे कैटेगरी नहीं मिलती है तो आप अदर सेलेक्ट करोगे और सब कैटेगरी में खुद से क्रिएट करते हैं। ओके तो हमारे पास यहाँ पे स्टॉक की कैटेगरी है,
अगर जिसको कैटेगरी नहीं मिलती है आप यहाँ पे देखिए इस तरह से टाइप करना जिसमें एंड एड पे क्लिक करके खुद से क्रिएट कर लेंगे ओके इस तरह से। ऐसे ही आपको लगता है कि एक से ज्यादा कैटेगरी में आता है बेसिक है कोर्स इस तरह से ओके टाइप करना एंड खुद से क्रिएट कर लेना ओके। इनके जैसे सपोज आपको कैटेगरी मिल जाती है आपका कोर्स एक से ज्यादा कैटेगरी में आता है आप एड अनदर कैटेगरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीविंग सेट प्राइस तो आप मुझे बताइए सर आप इस कोर्स का प्राइस क्या रखोगे? 1499 ओके। तो आप लोग जो भी कोर्स करेंगे उसका जो भी प्राइस रखना है यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देंगे उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट इज ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी। अगर देना है तो यहाँ पर ऐड कर दो अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ दोगे ओके। अब जैसे कभी भी आप लोग जब कोर्स का प्राइस कम सेट कर दोगे तो यहाँ पे देखिए एआई पावर फ्रेंड के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपने जो कोर्स का प्राइस सेट करा है ये अंडर प्राइसिंग सेट करा है जिससे आपको एवरी 100 ट्रांजेक्शन पे इतना लॉस होगा। तो आई वुड सजेस्ट आप लोगों को इतना आप लोग इतने एक्सपीरियंस्ड है राइट इतना क्वालिटी ऑफ वाला कोर्स देते होंगे बच्चों को आपका भी हार्ड वर्क लगता होगा तो कोर्स का प्राइस उसी के अकॉर्डिंग सेट करना। और ऐसे ही डेमो के लिए बोले मैम। हाँ जी ऐसे ही डेमो के लिए बोले हैं। हाँ हाँ मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को ठीक है ओके। उसके बाद देखिए आपने जो यहाँ पे कोर्स का प्राइस डाला उस पे 39 रुपीज एक्स्ट्रा लगकर आए बिकॉज क्यों स्टूडेंट जब पेमेंट करेगा रेजर पे के थ्रू पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे गेटवे के चार्जेस डिडक्ट होता है 2.63% ओके। ये इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस है ये डिपेंड करता है कि आप बियर करना चाह रहे हो या बच्चा बियर करे ओके रेजर पे के गेटवे के चार्जेस है। तो सपोज इफ यू आर सेइंग कि जेन्युइन चार्जेस होते हैं मैं बियर नहीं करना चाहता राइट तो आप इसको ऑफ रखना। इफ यू आर सेइंग मैं बियर कर लूंगा बच्चे को कोर्स उतने का पड़े तो आप इसको ऑन कर दोगे ओके। तो जो भी अमाउंट डालेंगे डिवाइडेड बाय 2.63 × 100 तो वो यहाँ पर मेंशन होता है कितने चार्जेस लग रहे हैं ओके। उसके बाद है टैक्स डिटेल। अगर आपको अपना कोर्स पर जीएसटी इंक्लूड करनी है आप ऑन रखिए अगर जीएसटी इंक्लूड नहीं करनी आप इसको ऑफ करके सिंपली कैंसिल कर दोगे। सॉरी ये जो आपने एआई फ्रेंड का लिखा था तो इसमें लॉस क्या होता है कैसे लॉस होता है मतलब जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं आप कोई मैथ्स का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो ओके नीट का है वो तो अब हमें पता है कि जो नीट के कोर्सेज होते हैं कितने एक्सपेंसिव होते हैं और उसकी क्वालिटी कितनी हाई होती है राइट भले कोई भी ट्यूटर दे रहा हो राइट। अब जैसे आपने उसका प्राइस रख दिया आपने 1000 रख दिया राइट अब मार्केट में उसका प्राइस है 50,000 में भी बिक रहा है और यहाँ पर भी जो हमने मार्केटिंग एनालिसिस करते हैं तो हम पूरा करते हैं कि किस स्टेट में कितना हो रहा है कितने के कोर्सेज ये सेल हो रहे हैं तो उसी के थ्रू ना आपको यहाँ पे एआई पावर फ्रेंड के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये जो प्राइस आपने सेट करा है कम है मार्केट में इस प्राइस पे भी ये कोर्स सेल हो रहे हैं तो वही का ना एवरेज लेकर हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि अगर आप इतने का कर रहे हो ना तो आपको एवरी 100 ट्रांजेक्शन पे इतना लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं ओके। आपको इसकी सजेशन लेनी है या इग्नोर भी कर सकते हैं ओके ठीक है ठीक है। नेक्स्ट हम सेट करेंगे कोर्स ड्यूरेशन। तो कोर्स ड्यूरेशन हम यहाँ पे 3 वेज में सेट करते हैं तो आप मुझे बताइए सर इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है? 30 डेज कीजिए ना 30 डेज की होती है। जस्ट एग्जाम्पल देते हो जैसे आप लोग कोर्स बनाओगे अगर वो 30 डेज का है मंथ में है और ईयर में है तो आप सेट वैलिडिटी पे क्लिक करना जैसे सर ने 30 डेज बोला मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया और ईयर पे क्लिक करके मैं डे सेलेक्ट कर लेती हूँ ठीक है। डे सेलेक्ट करा मंथ सेलेक्ट करा ईयर कुछ भी इसका मतलब क्या होगा जिस दिन से बच्चा कोर्स परचेज करता है उस दिन से ड्यूरेशन काउंट होना स्टार्ट होती है एंड बच्चे के पास एक कोर्स 30 डेज तक रहेगा एक्सेस रहेगा कोर्स का ओके। सपोज आप लोग कोई क्रैश कोर्स बना रहे हो और आपका वो कोर्स एक स्पेसिफिक डेट तक रहने वाला है तो आप सेट एक्सपायरी पे क्लिक करके वो डेट सेलेक्ट कर लोगे जिस डेट तक भी आपका वो कोर्स रहने वाला है ओके। तो यहाँ पे सपोज आपने 30th December या मैंने 28th January सेलेक्ट कर लिया मींस अब कोई बच्चे इस कोर्स में आज एनरोल हो रहे हैं तो वो 28th January तक ही उसके पास कोर्स का एक्सेस रहेगा। अगर कोई 27 को भी हो रहा है ना तो 28 तक ही उसके पास एक्सेस रहेगा ओके। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन लाइफ टाइम। अगर आप लोग कह रहे हो कि बच्चा हमारा कोर्स एक बार परचेज कर ले तो उनके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहे इस कोर्स का देन थर्ड ऑप्शन। सो ये 3 वेज होते हैं ड्यूरेशन सेट करने के जब आप कोर्स बनाते हो कोई एक सेट करते हो क्लियर है ठीक है। किसी को डाउट होगा प्लीज पूछ लेना। नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए कोर्सेज ऑफलाइन मटेरियल फॉर शिपमेंट। अगर आप
करेंगे तो आपके कोर्स पे एक बार आएगा फिजिकल मटेरियल का. मीन्स यू आर सेइंग कि कोई भी बच्चा मेरा एक कोर्स परचेज करता है, आप उसे फिजिकल मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे. तो फिजिकल मटेरियल कुछ भी हो सकता है, नोट्स, पेन ड्राइव, स्टडी मटेरियल, राइट. अगर ऐसा कुछ है इसे ऑन करना. ऑन करने के बाद डिलीवरी डेट सेलेक्ट कर लेना कि विद इन कितने दिन के अंदर आप कुरियर कर दोगे. तो ये आपको खुद से कुरियर करना पड़ता है. ओके, इफ यू आर सेइंग नहीं हमारा जो रहेगा ऑनलाइन कॉन्टेंट रहेगा, ऐसे कुरियर वाला कुछ नहीं है, तो आप इसको ऑफ रखेंगे. उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन, ऑफलाइन एक्सेस परमिशन. दिस इज फॉर वीडियोस जो आप कोर्स में ऐड करते हैं. अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो आपने कोर्स में जो भी वीडियो डाली है बच्चा आपकी वीडियोस ऑफलाइन डाउनलोड कर सकता है. ओके, अगर वो ऑफलाइन डाउनलोड करते हैं तो जस्ट लाइक यूट्यूब की तरह, यूट्यूब पे क्या होता है अगर हम कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वहीं पर रहता है, राइट. सेम यहाँ पर भी अगर बच्चा कोई भी आपका वीडियो डाउनलोड करेगा तो उसके मोबाइल ऐप पर ही रहेगा, इंटरनेट में नहीं जाएगा, तो आपकी वीडियो सेव होती है. ओके, कुछ भी नहीं कर पाएगा. वीडियो सेव होती है पूरा. ऑफ रखेंगे तो उसको जब भी व्यू करना है ऑनलाइन व्यू करेगा. नेक्स्ट है पीडीएफ डाउनलोड परमिशन. यहाँ पे चेंजेस है. अगर आप फर्स्ट पीडीएफ डाउनलोड परमिशन ऑन करेंगे ना, देखिए लिखा भी आ रहा था फाइल विल बी सेव्ड इन द इंटरनल स्टोरेज, तो जो फाइल है इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाएगी. अब इंटरनल में चला गया तो कहीं भी शेयर कर रहे हैं, वी डोंट नो, राइट. तो इससे आपका कॉन्टेंट ब्रीच होगा. सो आई वुड सजेस्ट आप फर्स्ट ऑप्शन कभी भी ऑन मत करना. बट स्टिल यू आर सेइंग कि मुझे उसको पढ़ने की परमिशन देनी है ऑफलाइन भी, ओके, पीडीएफ भी, तो आप क्या करना, अलाउ पीडीएफ डाउनलोड विद इन ऐप कर दो. विद इन ऐप वाला अगर टॉगल ऑन करेंगे तो जस्ट लाइक वीडियोस की तरह वो पीडीएफ अगर डाउनलोड करेगा तो उसके मोबाइल ऐप पर ही रहेगा. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, रिकॉर्ड कर सकते, कुछ भी मिसयूज नहीं कर पाएगा. मैम तो यहाँ से भी मिसयूज तो हो सकता है क्योंकि स्टोरेज में सेव रहेगा, तो कहीं ना कहीं सेकंड वाला है अलाउ पीडीएफ डाउनलोड विद इन ऐप. नहीं सर, तो मैम तो कहीं पे भी फाइल मेमोरी में कोई भी डाटा स्टोर होता है तो कैच में एंड्रॉइड में कहीं ना कहीं हो, मतलब सेव रहता है तो वहाँ कोई बच्चे अंदर जाकर कुछ मिसयूज, इसमें संभावना तो नहीं है. नहीं नहीं नहीं, हमारे ऐप पर सॉफ्टवेयर जो आपने ऐप बनवाया ना उसपे पूरा इनक्रिप्टेड हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं. जो सेव होगा आपका जो ऐप है बच्चों के एंड पे ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर ही सेव होगा. और उसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिखा देगा जब स्क्रीनशॉट लेगा ना, ले सकते हो. सपोज वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है तो वो जो रिकॉर्डिंग होगी पूरी ब्लैंक होगी, सो डोंट वरी. ओके, कोई मिसयूज नहीं होगा. ऑफ रखेंगे तो उसको जब भी व्यू करना है ऑनलाइन व्यू करेगा. उसके बाद है लाइव क्लासेस. अगर आपका ये कोर्स लाइव कोर्स है आप इसमें लाइव क्लासेस लोगे, आप ये टॉगल ऑन रखना. अगर आपका ये कोर्स सिर्फ कंटेंट वाला है आप इसमें लाइव क्लासेस नहीं लेंगे तो आप इसको ऑफ रखेंगे. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियो रिस्ट्रिक्शन. अगर आप फर्स्ट वीडियो रिस्ट्रिक्शन ऑन कर देते हैं तो आपने कोर्स में जो भी वीडियो डाली बच्चा आपकी वीडियो लैपटॉप पीसी पर भी देख सकता है. ओके, ऑफ रखेंगे तो सिर्फ मोबाइल ऐप पर देखेगा. तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी, लैपटॉप और पीसी की परमिशन मत देना, फर्स्ट वाला ऑप्शन मत ऑन करना अगर आपका कंटेंट सेंसिटिव होगा. ओके, देन सेकंड ऑप्शन है, इसको ऑन करेंगे तो आपने जो वीडियोस डाली है आप अपनी वीडियोस पे व्यूज भी सेट कर सकते हो, व्यूज का भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो. सपोज ऑन करा आपने, यहाँ पे सेट मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज पे क्लिक करके व्यूज डाल दिया, 4, 5, 6 जितने भी डालने, जैसे मैंने 5 डाला. अब आप कोर्स में जितनी भी वीडियोस डालोगे ना उस पे 5 व्यूज अलॉटेड होंगे, बच्चा आपकी वीडियो 5 बार ही देख पाएगा एंड आफ्टर 5 सेकंड एक व्यू काउंट हो जाता है. ओके, आप ये व्यू का ड्यूरेशन आवर्स में भी लगा सकते हैं कितने घंटे तक देख पाए. आप ये दोनों लगा सकते हो पर दोनों में से जो पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा वो कंसिडर करा जाएगा. इफ यू आर सेइंग कि बच्चे ने मेरा एक बार कोर्स परचेज कर लिया, डजंट मैटर इसके अंदर जो वीडियोस वो कितनी बार देख रहे हैं, तो आप इसको ऑफ रखेंगे. ओके, ये व्यूज मतलब एक बार मेरा अगर एक घंटे का वीडियो है, सपोज मेरे पास 4 वीडियोस है जो कि सपोज 15-15 मिनट के है, सपोज ठीक है, तो उसमें क्या लिखना रहेगा मेरे को व्यू करे. नहीं अब जैसे आपने बोला, जैसे 4 वीडियोस आपने डाली, आपने यहाँ पे व्यूज की रिस्ट्रिक्शन लगा दी 5, ठीक है, 5 मींस जो आपकी 15-15 मिनट की वीडियो ना वो वीडियो में 5 बार देख सकते हो. ओके, पूरी. इन केस जैसे मैंने वीडियो ऑन करा, मैंने देखा और 1 मिनट तक देखा फिर मैं हट गई, तो स्टिल तब भी आपका एक व्यू काउंट हो जाएगा उस पे, बिकॉज 5 सेकंड के बाद एक व्यू काउंट हो जाता है. ओके, ये व्यू का हेल्प आपको एक तरह से ऐसे भी करता है कि जैसे सपोज मैं स्टूडेंट हूँ, आपने व्यू लगा रखा है तो मैं आपका कोर्स ना किसी और को नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज अगर मैं किसी और को दिखाने से पहले ये रहेगा ना कि मुझे तो खुद 5 व्यू मिले हैं. अगर मैं किसी और को दिखा रही हूँ
ओके, तो फिर मेरा व्यू खत्म हो जाएगा, राइट? तो कहीं ना कहीं मेरा लॉस है इसमें. तो उसको मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी, तुम भी परचेज कर लो, इंस्टीड ऑफ की लाओ, मेरी मेरी में से देख लो. ओके, क्लियर है आप लोगों को ये ऑप्शन? अच्छा, मैक्सिमम वरना एक व्यू अगर काउंट हो जाए तो बच्चे ने अगर गलती से बैक कर लिया तो उसका एक व्यू गया फिर. हाँ, एक व्यू गया. तो इट्स अप टू यू, मैंडेटरी नहीं होता. आपको लगता है कि मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इतनी बार ही देखे तो आप लगा सकते हो. ओके, अदरवाइज आपको लगता है कि परचेज कर ही लिया उसने तो डजंट मैटर, उसने तो पूरा कोर्स ही परचेज कर लिया, कितनी बार देख रहे हो, तो ऑफ रखो. ओके, ठीक है. देन नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीव्यू कोर्स फीचर. नाउ प्रीव्यू कोर्स फीचर इज जस्ट लाइक अ मूवी ट्रेलर. अगर आपने इसे ऑन करा तो आपने कोर्स में जितनी भी वीडियो डाल रखी है, बच्चे जब आपको कोर्स में विजिट कर रहे होंगे वो स्टार्टिंग की 2 मिनट स्नीक पीक वीडियो देख सकते हैं. आफ्टर 2 मिनट अगर उनको देख रहे हैं तो आपका कोर्स परचेज करना होगा. तो दिस इज द फर्स्ट वे प्रमोशन करने का. इसका मैं सब्स्टिट्यूट भी बता दूंगा. ओके, कि और कैसे कर सकते हैं आप अपना प्रमोशन. ऑफ रखेंगे तो प्रीव्यू ऑन नहीं रहेगा. नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट सर्टिफिकेट. अगर आप कोर्स में बच्चों को सर्टिफिकेट दोगे, आप ये सर्टिफिकेशन का टॉगल ऑन करना. ऑन करने के बाद यहाँ पे डेज मेंशन कर देना कि आफ्टर परचेजिंग कितने दिन बाद आप सर्टिफिकेट दोगे. ओके, देन यहाँ पे ऑटो पे क्लिक रखेंगे, ऑटोमेटिकली भी चला जाता है, खुद से भी आप असाइन कर सकते हो. अंदर आएगा फीचर, अभी मैं आपको बताऊंगी भी. देन हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके एड कॉन्टेंट पे आ जाएंगे. तो ये जो हम स्टॉक मार्केट का कोर्स बना रहे हैं इसकी हमने बेसिक सेटिंग करी. नाउ वी विल सी आप अपने कोर्स में आप कंटेंट कैसे ऐड करोगे. तो बेसिक सेटिंग विवेक सर, रुद्र सर एंड मैम, आपको क्लियर है? हाँ जी मैम. अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. उसके बाद देखिए, देखिए ऐड कंटेंट में सारे फेज है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ. जैसे आप लोगों को ना वीडियो टेस्ट डायरेक्ट भी डालना है, वीडियो पे क्लिक करो, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो. इनके साथ फोल्डर बनाकर डालना चाहते हो तो आप फोल्डर पे क्लिक करना. ठीक है, फोल्डर पे क्लिक करने के बाद जैसे आपने फोल्डर का नेम दे दिया, सेव कर दिया. ओके, ऐसे आप मल्टीपल फोल्डर बना सकते हैं जितने भी बनाने हैं. इस फोल्डर के अंदर कोई भी कंटेंट ऐड करना है, फोल्डर को ओपन करो. मैम एक बार स्टार्टिंग से बताओगे वापस एक बार? हाँ श्योर. जैसे मैं एक बार इसको डिलीट कर देती हूँ एग्जाम्पल. जैसे आपको ना कंटेंट, जैसे आप इसमें बच्चों को वीडियोस देने वाले हो, है ना, पीडीएफ दोगे कोर्स में, तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो. या फिर जैसे आपको फोल्डर बनाकर ऐड करना है तो देखिए यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आता है ऐड कंटेंट में. पर ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट ये कहाँ पे दिखेगा? ये कोर्स हम जो बना रहे हैं उसका है मैम. ये जो अभी अपन ने डिटेल्स वाली वो स्टोर में है, तो ये ऐसे ही ब्लॉक आएगा कि कहाँ पे मिलेगा ओवरव्यू में, कंटेंट में कहाँ पे मिलेगा? यस, ये कंटेंट में मिलेगा. जैसे आपने कोर्स बनाया, हम अभी कोर्स बना रहे हैं ना, अब आपने अपना कोर्स की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, अब आप अपने कोर्स में कंटेंट ऐड कर रहे हो. अगर एक और कोर्स बनाना है तो कहाँ जाना है? ओवरव्यू में. आपको कोर्स बनाना है, स्टोर पे क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड में क्रिएट कोर्स लिखा होगा, क्रिएट कोर्स पे क्लिक करेंगे, पूरी सेटिंग करोगे. सेटिंग करने के बाद नीचे हमने क्या करा था, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके ऐड कंटेंट पे आ गए थे. मैं आपको दिखाती हूँ. देखो, क्रिएट कोर्स पे क्लिक करने के बाद ये करा आपने, है ना. देन हमने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके ऐड कंटेंट पे क्लिक करा था, तो अब हम अपने कोर्स में कंटेंट ऐड करेंगे. तो हम कंटेंट पे आ गए थे बेसिकली. ओके, यहाँ पर क्लियर है? हाँ मैम. ठीक है, अब देखिए मैं फोल्डर पे क्लिक कर रही हूँ. तो जैसे आपको फोल्डर बनाकर कंटेंट ऐड करना है, फोल्डर पे क्लिक करिए, फोल्डर का नेम ऐड कर दोगे, जैसे मैंने स्टॉक क्लिक दिया, सेव कर दिया. अब मुझे इस फोल्डर के अंदर कोई भी कंटेंट ऐड करना है, मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगी एंड फोल्डर के अंदर भी आप सब फोल्डर बना सकते हैं. अब हम यहाँ पे कंटेंट ऐड करना स्टार्ट कर देंगे. तो फर्स्ट ऑप्शन है वीडियो. आपको अपने कोर्स में कोई भी वीडियो ऐड करना है, आप वीडियो पे क्लिक करना. यहाँ पर वीडियो जो साइज लिमिट होता है 5GB होता है, 5GB से ज्यादा वीडियो नहीं होनी चाहिए. वीडियो ऐड करने के लिए अपलोड फ्रॉम पीसी पे क्लिक करना एंड जो भी वीडियो है आपके पीसी में सेलेक्ट करके ओपन करना. आप वीडियो का टाइटल भी डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं. देन ये वीडियो अपलोड होगी तो यहाँ पे डन लिखा आ जाएगा. जैसे ही आप डन करोगे वीडियो ऐड हो जाती है. क्लियर है? तो अभी ये मैं आपको एक अपलोड करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं. ये वाली कोई वीडियो ले लेते हो. ठीक है, इट्स लोडिंग. देखिए डन हो गए, 100% डन कर दिया. ये सिनेमल प्रीव्यू. आप देखिए वीडियो ऐड हो गए, वीडियो पे लॉग्ड है. जो बच्चा आपका कोर्स परचेज कर रहे हैं इस वीडियो को देख सकते हैं. आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप वीडियो का थंबनेल भी चेंज कर सकते हो और इंडिविजुअल वीडियो पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं आप ऑन करके. ओके, व्यूज का. उसके बाद देखिए, जब मैंने आपको प्रीव्यू कोर्स फीचर बताया था तो वहां पे आप लोग एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते थे कि अगर हम प्रीव्यू कोर्स फीचर ऑन कर रहे हैं तो अगर हमने इसमें 50 वीडियो डाली हो तो 50 की 50 वीडियो पे प्रीव्यू लग रहा है, राइट? और आप अपनी कोई एक वीडियो दिखाना चाहते हैं एज अ प्रमोशन,
तो आप क्या करना, वो ऑप्शन ऑन रखना, यहाँ पे जो वीडियो डालेंगे एज अ प्रमोशन अगर आपको दिखाना है तो थ्री डॉट पे क्लिक करके उसको अनलॉक कर देना, तो बच्चे बस आपकी ये वीडियो एज अ प्रमोशन देख पाएगा, बाकी सारी कोर्स परचेज करने के बाद ही देखेगा। तो दिस इज द सेकंड वे, ओके, प्रमोशन करने का। एक मिनट, वो थ्री डॉट्स पे क्लिक करना ना। हाँ जी, एडिट पे, एडिट पे क्लिक करो। इसमें वीडियो रिस्ट्रिक्शंस पे एक बार ऑन करके बताएंगे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। सेम जो मैंने बाहर बताया था ना, तो ये इंडिविजुअल वीडियो के लिए ऑन करा, व्यूज लगा सकते हो, तो व्यूज नंबर्स में भी लगा सकते हो या आर्ट्स में भी लगा सकते हो। और उधर मैंने अगर सिलेक्ट नहीं किया, इधर मैं कर रही हूँ तो चलेगा ना एक पे? हाँ चलेगा, तो ये इंडिविजुअल वीडियो पे लगेगा, मतलब इसी वीडियो पे लगेगा। ठीक, ओके, सारे तो आप कर सकते हैं इसको। ओके, उसके बाद है ऑनलाइन टेस्ट। इसकी आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे ऑनलाइन टेस्ट का, ये सीएमएस पोर्टल होता है, प्रॉपर आपकी 1 आवर की ट्रेनिंग होती है, तो मैं बताऊंगी भी आपको कैसे शेड्यूल करना है, तो इसकी आप ट्रेनिंग लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट के बाद आता है सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट बच्चे रिटर्न फॉर्मेट में करके आपको सबमिट करता है, तो जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनको कन्वर्ट करने में काफी हेल्प भी करता है सब्जेक्टिव टेस्ट। तो सब्जेक्टिव टेस्ट देने के लिए आप सब्जेक्टिव टेस्ट पे क्लिक करना, क्रिएट न्यू टेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप टेस्ट नेम डाल दोगे, कितने मार्क्स का टेस्ट, कौन सा टेस्ट है, कितने मार्क्स का रहेगा, देन आप फाइल ऐड करेंगे। तो मेक श्योर जो भी इमेज या पीडीएफ आप ऐड कर रहे हो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हो, ओके, कि बच्चा रिटर्न फॉर्मेट में करके आपको सबमिट कर पाए। आप एक साथ, ठीक है, अप टू 100 फाइल्स तक अटैच कर सकते हैं, एक फाइल की साइज लिमिट 40 MB होती है। देन जैसे आप क्रिएट एंड ऐड टेस्ट कर देंगे आपका सब्जेक्टिव टेस्ट ऐड हो जाता है। जो सब्जेक्टिव टेस्ट इज डाउनलोडेबल, बच्चा डाउनलोड करता है, पूरा टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद आपको सबमिट करता है। सो यू कैन, ये 100 जो है ये एक फोल्डर की बात कर रहे हो या कितने भी? नहीं, फाइल, अलग अलग फाइल्स, जो इमेज या पीडीएफ है ना, जो भी है, दोनों आप 100 वो कर सकते हैं, चाहे इमेज कर लो चाहे पीडीएफ कर लो, ठीक है, 100 फाइल्स। और ये पूरा कोर्स जब सेल करते हैं तो उसके साथ क्वेश्चन पेपर भी तुरंत ही चला जाता है बच्चे के पास? हाँ बिल्कुल, परचेज करेगा ना, जब बच्चा परचेज करेगा तभी चला जाता है उसे। हाँ, डे वन पे ही जैसे, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, सब्जेक्टिव टेस्ट इज डाउनलोडेबल, बच्चा डाउनलोड करता है, पूरा टेस्ट करता है रिटन फॉर्मेट में, देन आपको सबमिट करता है। सो यू कैन सी आपके और आपके स्टूडेंट के बीच में कितनी एंगेजमेंट होती है, ओके। तो इस तरह से आप बच्चों को सब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट के बाद है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इज पीडीएफ, कोर्स में कोई भी पीडीएफ डाल रहा है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, नेम, डिस्क्रिप्शन, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, सिंपली अपलोड। सो नेम एंड डिस्क्रिप्शन इज नॉट मैंडेटरी, ओके, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। कोई इमेज डालना है, इमेज पे क्लिक करना, इमेज नेम, डिस्क्रिप्शन, सेलेक्ट इमेज, सिंपली अपलोड कर देंगे, ओके। जिप फाइल, जिप फाइल में क्या होता है, कोई पीपीटी डालना चाह रहे हो आप, ये वर्ड डॉक्यूमेंट डालना चाह रहे हो, तो उसको कंप्रेस कर लेना जिप फाइल में। कंप्रेस करने का जिप फाइल पे क्लिक करना, नेम, डिस्क्रिप्शन, सेलेक्ट फाइल एंड सिंपली अपलोड कर देंगे। तो ये जो जिप फाइल होता है डाउनलोडेबल होता है, बच्चा इसे डाउनलोड भी कर सकता है, एंड पर फाइल साइज लिमिट इज 200 MB। तो आप जिप फाइल ऐड कर सकते हैं। जिप फाइल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन इंपोर्ट कंटेंट। जैसे आप ये कोर्स बना रहे हैं, हम एक बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का, अब सर ऐसे स्टॉक मार्केट के बहुत सारे कोर्स बनाएंगे, राइट? अब हो सकता है सर ये जो कोर्स बना रहे, इससे पहले जो उन्होंने कोर्स बना रखा है उस कोर्स का कुछ कंटेंट इसमें ऐड करना हो, सिमिलर हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, इंपोर्ट कंटेंट पे क्लिक करना, सारे बने हुए कोर्सेज आ जाएंगे, जिस कोर्स से भी कंटेंट आपको ऐड करना है, ओपन करके सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करके जैसे इंपोर्ट सेलेक्टेड करेंगे, ये कंटेंट भी यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा। उसके बाद इम्पोर्ट लाइव, जो भी आप लाइव क्लास लेते हैं सारी रिकॉर्डेड होती है, तो कोई भी रिकॉर्डेड सेशन अगर कभी भी किसी कोर्स पे ऐड करना है, अभी आपको लाइव क्लास लेना भी बताऊंगी, तो आप इम्पोर्ट लाइव पे क्लिक करना, सारी रिकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होगी, आप सेलेक्ट करके जैसे इम्पोर्ट सेलेक्टेड कर देंगे वो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर एड ऑन हो जाती है, ओके। तो इस तरह से कॉन्टेंट आप ऐड करते हो, उसको ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग भी सीक्वेंस में सेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप तीनों को? कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, कुछ डाउट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कंटेंट ऐड करना है, इसमें हम लोग वीडियो को केवल वीडियो फाइल को ही अपलोड कर सकते हैं या फिर कोई लिंक भी हो, जैसे यूट्यूब पे हमने कोई अनलिस्टेड वीडियो किया उसको यहाँ पे लिंक डाल करके? नहीं, वो यहाँ पर नहीं डालते, उसका मैं दूसरा वे बताऊंगी, वो कहाँ पर डालना है, यहाँ पर नहीं ऐड होता हूँ। तो मैम एक और जी मैम एक और ये है कि MP4 ही क्यों अलाउड है केवल? नहीं, MP3 भी है, MP3, MP4 सारी फाइल्स हैं। नो, तो जैसे आप अभी OBS, OBC, अभी जो भी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग MP4 में नहीं
हो पाता, चाहे होता भी होगा मुझे नहीं पता, बट हम क्या करेंगे इस केस में सर, कन्वर्ट कर देंगे इसको MP3 में। अगर जैसे सपोज आपने कोई रिकॉर्डिंग करी, राइट, वो रिकॉर्डिंग नहीं है MP3, MP4 तो ऑडियो होता है बेसिकली, और MP3 वीडियो होती है, राइट। तो अगर नहीं है वो MP3 ऑडियो होता है और MP4 वीडियो होता है तो, हाँ ये जो मैंने ऐड करा ना, ये देखिए मैम वीडियो का बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे MP4 हो गया, 3GP हो गया, या फिर MKV फाइल हो गया, TS फाइल हो गया, तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन क्यों है जो हम केवल MP4 में ही अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ बिकॉज क्या है ना, यहाँ पे जो सपोर्ट करते हैं ना सॉफ्टवेयर, वो उसी को सपोर्ट करते हैं बेसिकली, इसलिए हमने ये ऑप्शन दे रखा। और यूजुअली जो सर्वे के अकॉर्डिंग आया था तो सारे यही ही मांगते हैं बेसिकली कि हमें ये वाली वीडियो दिखानी है, MP3 या MP4 में ही होती है उनका सारा कॉन्टेंट, तो इसलिए सर ये ऑप्शन है यहाँ पर। ओके तो मैम, तो यहाँ पे मुझे समस्या लगी क्योंकि मैंने बहुत सारा फाइल बनाया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही, तो उसे कन्वर्ट करना फिर समय ज्यादा लग जाएगा। नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना वो आपका, तो एक बार ना उसको डायरेक्ट अपलोड करके देखना, वो ना डायरेक्ट अपलोड हो जाते हैं, बिकॉज ये वाला जो मैंने वीडियो अपलोड करा है ना, दिस इज ऑल्सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओके, तो मेरी तो अपलोड हो गई है, एक बार आप भी करना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली भी वीडियो अपलोड हो जाती है, बिकॉज वो यूजुअली MP3 MP4 में ही होती है। ओके, तो एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है? एंड इनकेस अगर तब भी आपको डाउट आते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद अस, कनेक्ट कर लेना, हम आपको दूसरा सब्स्टिट्यूट बता देंगे या सॉफ्टवेयर भी होता है उससे बता देंगे कि कैसे करना है। ओके जी, विवेक सर आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं भाई, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देन। उसके बाद देखिए, मैंने ओवरव्यू पे क्लिक करा, तो मैंने जैसे ओवरव्यू पे क्लिक करा, यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आया, मैं गॉट इट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आपका कोर्स वन टाइम कंटेंट वाला होगा, जैसे आप कोर्स बना रहे, सारी वीडियो वगैरह डाल दी, अब इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना, तो ऐसे कोर्स को ना अपने इंस्टॉलमेंट में मत देना कभी भी, बिकॉज रिस्क होता है कि बच्चा अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है, ओके, फिर तो आप अपने रिस्क पे देंगे। एंड अगर आपका कोर्स ऐसा है, जैसे आपका कोर्स 3 मंथ्स का है और उसमें हर मंथ एवरी 10th के बाद, ठीक है, 10 तारीख के बाद आप उसमें कॉन्टेंट ऐड करेंगे, तो ऐसे कोर्स को दे दो जिसमें रिस्क नहीं रहेगा, फर्स्ट मंथ का पे करा तो उतना ही देख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे अपने कोर्स को इंस्टॉलमेंट में देने के लिए देखिए, जो भी कोर्स आपका 499 अबव होता है, 499 या उससे अबव होता है, आप अपने कोर्स को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। कोर्स को इंस्टॉलमेंट में देने के लिए यहाँ पे क्रिएट इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करना, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डाल देना कितना देना है, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 12 आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। देन आप इंस्टॉलमेंट पीरियड सेलेक्ट कर लोगे, क्या रखना है, वीकली, बाई वीकली, मंथली। ओके, इंस्टॉलमेंट पीरियड सेलेक्ट करने के बाद जब आप क्रिएट इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे, प्राइस ब्रेकअप होकर आ जाता है, तो ये प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। देन जैसे सेट इंस्टॉलमेंट करेंगे, आपके कोर्स की इंस्टॉलमेंट क्रिएट हो जाती है। नाउ स्टूडेंट, अब आपका कोर्स इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। सपोज किसी ने आपका कोर्स इंस्टॉलमेंट में लिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी, फर्स्ट मंथ का एक्सेस है, अगर वो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, कोर्स लॉक्ड हो जाएगा, पहले शो करेगा कि अपने इंस्टॉलमेंट क्लियर करिए, देन तभी आप एक्सेस कर पाओगे। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट पर आते हैं। देन आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एडिट कोर्स का ऑप्शन आता है, तो जो आपने स्टार्टिंग पे एडिट करा था, आपको कुछ भी चेंजेस करना है, आप एडिट कोर्स पे क्लिक करके कर सकते हैं। बट एक मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऑलरेडी परचेज स्टूडेंट के लिए होते हैं ना, उनके लिए चेंज नहीं होगा। सपोज आपने कोर्स की ड्यूरेशन 30 डेज डाली, फिर आपने उसकी ड्यूरेशन 6 मंथ कर दी, तो जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर लिया था ना आपके चेंज करने से पहले, उनके लिए 30 डेज ही रहेगा, न्यू बच्चों के लिए वो 3-6 मंथ होगा। ओके, उसके बाद अगर वो इंस्टॉलमेंट पे करता है तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट कार्ड या किसी ना किसी से पे करेगा, तो इंस्टॉलमेंट तो ऑलरेडी मेरे पास पूरा पेमेंट ही आ जाएगा ना। अगर वो क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, जैसे इंस्टॉलमेंट दो तरह का होता है ना, कि मैंने जब पेमेंट करा तो आपको लाइक 500 रुपए दिए है ना, वो तो मैंने अपने पेटीएम से दिया क्योंकि इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट मंथ का। अगर वो क्रेडिट कार्ड से कर रहा है ना, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है बच्चे के पास तो आएगा आपके पास, अदरवाइज नहीं आएगा, तब तो पूरा आ जाएगा ना। हाँ, तब तो पूरा आएगा, अगर वो क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो। ओके, ठीक है, ठीक है मैम। उसके बाद है मार्कडस फीचर। मार्कडस फीचर का मतलब क्या होता है, आप अपना कोर्स पब्लिश करने के बाद अपने टॉप 10 कोर्सेज मार्कडस फीचर कर सकते हैं, तो आपके कोर्स पे स्टार बना हुआ आएगा, मींस व्हाट स्टूडेंट आर लर्निंग, व्हाट टॉपर्स आर लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज में आपके मार्कडस फीचर कोर्सेज दिखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी कोर्स लिंक। इस कोर्स का लिंक कॉपी करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि बच्चे एक्सेस करें, आपका कोर्स परचेज कर पाए, रिमूव करेंगे तो डिलीट हो जाते हैं। ओके, नीचे स्क्रॉल करते हैं, जैसे सपोज आप लोग कह रहे हो जब हम कोर्सेज बनाएंगे, हमारे कोर्सेज में फैकल्टीज भी होती हैं,
तो नीचे ऑप्शन आता है फैकल्टीज इन दिस कोर्स का, आप इस पे आना, ऐड पे क्लिक करना, उन फैकल्टी का नेम डाल देना, नंबर डाल देना, ऐड फैकल्टी करोगे, फीचर आपको दिखा देगा। तो फैकल्टी के पास ना तीन चीजें परफॉर्म कर सकता है आपके कोर्स में, कॉन्टेंट ऐड कर सकता है, अनाउंसमेंट कर सकता है, ठीक है, एंड लाइव क्लास ले सकता है। तो फैकल्टी जब अपने नंबर से आपके ऐप को लॉग इन करेगा, उनके पास फैकल्टी ऐड का एक्सेस रहेगा और वे तीन चीजें आपके बिहाफ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप फैकल्टी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद देखिए जूम सेटअप का हमने इंटीग्रेशन दे रखा है, आपके एंड पे यहाँ पे वॉच हेल्प वीडियो लिखा आएगा, तो आप उस वीडियो को देखकर अपना अगर जूम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, जस्ट हमने फीचर दे रखा है। तो वहां पे वीडियो होती है, उस वीडियो को देखकर आपको मोबाइल ऐप के थ्रू करना होता है, तो आप इजीली अपना जूम सेटअप कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस डालना, पासवर्ड डालना, प्रोफाइल मीटिंग लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना, दैट्स इट। ओके, अब मैं आप लोगों को लाइव क्लास लेना बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे येलो कलर में लिखा हुआ है प्रमोट योर कोर्सेज विद ट्रायल क्लास। सो नाउअडेज आपने देखा होगा सबका डाउट है, और बताइए जैसे मान लीजिए कोर्स आपने ये लॉन्च कर दिया और फिर मुझे उसमें ऐड कंटेंट करना है और वीडियोस डालने हैं, तो उसको कहाँ से करेंगे? सिंपली अपना उस कोर्स को ओपन करना, कंटेंट में आके ऐड कर देना, सेम प्रोसेस है। एक बार करके दिखाइएगा, अभी ये कोर्स पब्लिश कर दे, फिर मैं ओपन करके दिखाऊंगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रमोट योर कोर्सेज में ट्रायल क्लास लिखा हुआ है। सो नाउअडेज आपने देखा होगा सबका माइंडसेट यही होता है कि पहले ट्रायल क्लास ले लो, देन यू विल डिसाइड तुम्हें कहाँ एनरोलमेंट करानी है, राइट? तो बच्चे क्या चेक करते हैं, वे ऑफ टीचिंग चेक करते हैं, कंटेंट चेक करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने कोर्स में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, अपना वे ऑफ टीचिंग दिखाने के लिए, जिन्होंने आपका कोर्स परचेज नहीं भी करा हुआ ना, आप उनको ट्रायल क्लास दे सकते हो बच्चों को। उसके लिए क्या करेंगे, प्रमोट योर कोर्सेज में ट्रायल क्लास पे क्लिक करना, यहाँ पे टॉपिक डाल देना, टॉपिक डालने के बाद हु कैन ज्वाइन दिस क्लास, किसके लिए आप ये ट्रायल क्लास शेड्यूल कर रहे हैं, तो ऐड पे क्लिक करके रिसिप्टेंट सेलेक्ट कर लेना, लेटेस्ट ऐप डाउनलोड्स के लिए है, नॉट परचेज एनी कोर्स के लिए, जिसने 10 दिन पहले करा, 30 दिन पहले करा, तो हमारी टारगेट ऑडियंस वही होगी जिन्होंने हमारा कोर्स नहीं परचेज कर रखा, राइट? आप सेलेक्ट करके डन कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे डेट एंड टाइमिंग सेट कर दोगे, किस डेट एंड टाइमिंग पे आप ये ट्रायल क्लास लेंगे। एडवांस सेटिंग में बेसिकली यही है कि बच्चा आपकी ट्रायल क्लास से मोबाइल ऐप के थ्रू ले सकते हैं, इसका रिकॉर्डेड सेशन वेब पर दिखाने ऑन रखेंगे, नहीं दिखाना ऑफ रखोगे। सेंड एसएमएस का ऑप्शन दिख रखेंगे, बच्चे के पास मैसेज भी चला जाएगा, देन जैसे ही आप शेड्यूल ट्रायल क्लास करेंगे, आपके ट्रायल क्लास शेड्यूल हो जाती है, कुछ इस तरह से देखिए। ओके, तो इस तरह से आप ट्रायल क्लास शेड्यूल कर सकते हैं। आउटसाइड ऐप इसका लिंक शेयर करना है, तो इस लिंक पे क्लिक करके कॉपी करके इस लिंक को आप शेयर कर सकते हो। सॉरी। ओके, तो ये तो हो गई ट्रायल क्लास। अब जो बच्चे इस कोर्स को परचेज करेंगे या जो बच्चे इस कोर्स पे ऑलरेडी है, उनकी आप लाइव क्लास कैसे लोगे, कैसे शेड्यूल करोगे? ओके, यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा आएगा शेड्यूल लाइव क्लास पे क्लिक करना, टॉपिक डाल देना, किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, शेड्यूल फॉर लेटर का टॉगल ऑन करके डेट एंड टाइमिंग सेट कर देना। देन यहाँ पे इस कोर्स के बच्चों के लिए पूछेगा एडवांस सेटिंग में अलाउ एंड डेस्कटॉप व्यू। अगर आप ये टॉगल ऑन कर देंगे ना, तो बच्चा आपकी लाइव क्लास लैपटॉप पीसी के थ्रू भी ज्वाइन कर सकता है। ऑफ रखेंगे, सिर्फ मोबाइल ऐप के थ्रू ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है शो रिकॉर्डेड क्लास ऑन वेब। अगर रिकॉर्डेड सेशन वेब पर दिखाना है ऑन रखिए, नहीं दिखाना ऑफ रखेंगे। सेंड एसएमएस को ऑप्शन टिक रखोगे, बच्चों के पास मैसेज भी चला जाएगा। देन जैसे ही आप शेड्यूल लाइव करेंगे, इस कोर्स के बच्चों के लिए लाइव क्लास शेड्यूल हो जाएगी, सेम इसी वे में ऐसे ही आ जाएगा। ओके, अगर आप सपोज आप कह रहे हो मुझे शेड्यूल नहीं करना, मुझे रियल टाइम में लाइव जाना रहेगा, मैं डेली एक से दो लाइव जाऊंगा, तो आप डायरेक्ट गो लाइव पे क्लिक करना और डायरेक्ट गो लाइव नाउ कर देना, आपकी लाइव क्लास उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको लाइव जाकर दिखा देती हूँ। एक बार लाइव जाने के लिए यहाँ पे जैसे जो आप शेड्यूल करते हैं ना, टेक क्लास लिखा जाता है, तो आप टेक क्लास पे क्लिक करोगे। जस्ट अ मिनट, टेक क्लास को करेंगे हमारी लाइव क्लास। यहाँ पे स्टार्ट लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, देखिए कैमरा भी पूरा आपका आता है। देन यहाँ पे जैसे ही आप स्टार्ट लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे, आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, टाइमिंग डन हो रहा है, जैसे टाइम फिनिश होगा लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अभी मेरा कैमरा क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे OBS का वो कैमरा यूज हो रहा है इस तरह से, तो अब आ गया देखिए मैंने। ओके, सबसे ऊपर टॉपिक आता है, किस टॉपिक पे आप लाइव क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे अटेंडी शो होगा, लाइव लिखा रहेगा। ड्यूरिंग द लाइव क्लास आप बच्चों से कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्रिएट पोल पे क्लिक करना,
क्वेश्चन टाइप कर देना, ऑप्शन दे देना, दो से ज्यादा ऑप्शन देने, ऐड न्यू कर सकते हैं, देन आप पोल लेंथ सेलेक्ट करोगे कितना टाइमिंग देना है, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट, ओके। पोल लेंथ सेलेक्ट करके जैसे ही आप सेंड पोल करेंगे, बच्चे के स्क्रीन पे पोल पॉपअप होता है और बच्चे इस पोल का आंसर करते हैं। तो आप पोल क्रिएट कर सकते हो, आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ पढ़ाना है स्क्रीन शेयर करके पढ़ा सकते हो, पर जब आप स्क्रीन शेयर करोगे जैसे मैंने गूगल मीट पे करके, तो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आप अपना माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपना कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखिए चैट का ऑप्शन है, चैट में आप कुछ भी इंपॉर्टेंट जो टाइप करना है कर सकते हो, बच्चा भी आपके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू अपडेट्स भी आए हैं चैट्स में, जैसे क्या होता है आप जब चैट कर रहे होते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज डाला, बच्चे लेट भी ज्वाइन करते हो तो मैसेज ऊपर रह जाती है, राइट, कोई पढ़े ना पढ़े। तो आप क्या है, जैसे आप जब चैट करते हो ना, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज डाला है तो आप अपने मैसेज को पिन कर सकते हो उस चैट पर जाकर, ओके। बच्चा इधर से रिप्लाई कर रहा है, आपको लगता है थोड़ा अनवांटेड रिप्लाई कर रहा है उसने, ठीक है, सही नहीं है जो, तो उसके सामने जस्ट 3 डॉट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप उस बच्चे को ब्लॉक कर सकते हो, ओके। तो जब ब्लॉक कर दोगे उसके मैसेज भी हट जाएंगे, एंड देन वो उस टाइम पे लाइव क्लास ले पाएगा, रिप्लाई नहीं कर पाएगा, ओके। देन क्लास रूम में आपका नेम एंड जो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनका नेम आता है। सेटिंग्स में अगर आप रिप्लाईज इन चैट ऑफ कर दोगे कोई रिप्लाई नहीं कर पाएगा, ऑन रखोगे बच्चा रिप्लाई कर सकता है। देन प्राइवेट चैट का ऑप्शन है, अगर आप ऑन रखेंगे तो वाइल टेकिंग लाइव क्लास आप बच्चों के साथ प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं, ओके, ऑफ रखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। एंड जब आप लाइव क्लास लेते हो जैसे एक बच्चा ज्वाइन करता है इसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, बट एक बच्चे का ज्वाइन करना इट्स मैंडेटरी एंड आप 4 आवर्स तक कंटिन्यूसली लाइव जा सकते हो। सपोज आपने लाइव क्लास ले ली, आप यहाँ पे एंड लाइव क्लास करके लीव कर देना, ओके। जो भी आप लाइव क्लास लेते हैं उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, पोर्ट्रेट के नीचे लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है हर एक कोर्स की, आफ्टर 45 मिनट्स के बाद रिकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड आप उसको विद इन 7 डेज के अंदर, ये वेब के थ्रू ही आप कर सकते हो, सिर्फ ट्यूटर के लिए ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग हमेशा यहाँ पे रहेगी, बट अगर ये रिकॉर्डिंग ट्यूटर अगर अपने इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड करना चाहते हैं ना लाइक आप तीनों, तो विद इन 7 डेज के अंदर आप इसको अपने इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड कर सकते हो, मीन डाउनलोड का ऑप्शन 7 दिन तक भी आएगा उस पर, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। ये लाइव क्लासेस मैम स्टूडेंट्स को भी दिखती है रिकॉर्डेड? हाँ हाँ ये उनको भी दिखती है, और मुझे चाहिए कि ये नहीं हो एंड रिकॉर्डिंग नहीं हो या कुछ, तो नहीं रिकॉर्डिंग तो होगी, जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी ना आप डिलीट कर दो, ओके, 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, आप उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दो डाउनलोड करके। हाँ डाउनलोड करके डिलीट, अप टू यू, जैसा आपको यूज है तो डाउनलोड कर लो, नहीं है तो डायरेक्ट डिलीट कर दो, राइट, अप टू यू, ओके। तो यहाँ पे हमने सारे फीचर दे रखे हैं, डाउनलोड का भी दे रखा है, एंड जैसे वहां पे जब आप शेड्यूल कर रहे थे वहां पे ऑप्शन भी आया था शो रिकॉर्डेड क्लास ऑन वेब, नहीं दिखाना उस ऑप्शन को ऑफ रखो, ठीक है, तो उनको दिखेगी नहीं वेब पर, ओके, ठीक है, क्लियर है आई होप। उसके बाद देखिए जो आप लाइव क्लास लेते हैं उसी के बेसिस पे यहाँ पे अटेंडेंस मार्क हो जाते हैं जो बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो बच्चे ऐसे भी करते हैं ना, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो आप इन अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं, क्राइटेरिया करते ना, तो जैसे 50% करा मैंने, अब 50% का मतलब क्या, जैसे 1 आवर लाइव गई बच्चे का 30 मिनट क्लास में होना इट्स मैंडेट, तो जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा देन उस आपको बच्चों को सर्टिफिकेट देना है, अगर आपने ऑप्शन ऑन कर रखा है तो ऊपर देखिए एडिट सर्टिफिकेट टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, आप इस पे क्लिक करोगे, जब आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे 3 प्रीडिफाइंड टेम्पलेट होते हैं, एरो पे क्लिक करके आप देख पाओगे, तो जो भी टेम्पलेट आपको बच्चों को देना है अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे, इसके ऊपर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, डेट शो करनी है डेट शो कर सकते हो, एंड टाइटल एंड सबटाइटल आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। देन आप सेट टेम्पलेट करके जैसे गिफ्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट का लिस्ट आ जाएगा, आप उनको सेलेक्ट करके ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो, ओके, बच्चे के पास ये सर्टिफिकेट चला जाएगा जैसे गिफ्ट सर्टिफिकेट करेंगे, एंड बच्चा डाउनलोड भी कर सकता है, तो आप बच्चों को सर्टिफिकेट दे सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है अनाउंसमेंट, आपको कोर्स में कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है आप अनाउंसमेंट पे क्लिक करना, मेक एन अनाउंसमेंट, यहाँ पे अनाउंसमेंट टाइप कर देना, कोई फाइल अटैच करना है फाइल अटैच कर सकते हो, ठीक है, एंड सेंड एसएमएस का ऑप्शन टिक रखोगे तो बच्चों के पास नोटिफिकेशन के साथ साथ मैसेज भी चला जाएगा, देन जैसे आप पोस्ट करेंगे आपकी अनाउंसमेंट पोस्ट हो जाती है। ये सारा करने के बाद इन द एंड आप अपना कोर्स पब्लिश करते हैं,
पब्लिश करने के लिए पब्लिश कोर्स पे क्लिक करना, पूरा प्रीव्यू पढ़ लेना, एंड जैसे ही आप पब्लिश कोर्स पे क्लिक करेंगे आपका कोर्स पब्लिश हो जाता है। ओके, एंड ये लिंक आ रहा है, इस लिंक को कॉपी करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि बच्चे एक्सेप्ट आपका कोर्स ले पाए। तो एक बार बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को कोर्स बनाकर पब्लिश करने से ऐड करते मैम उसमें? जैसे मैम आपने जब कोर्स पब्लिश कर दिया तो आपके कोर्सेज देखिए इस तरह से विजिबल हो जाएंगे बच्चों को, जब आपका ऐप डाउनलोड करेगा ना दिखेंगे, जिस बच्चों को लेना है वो इस अपने कोर्स को परचेज कर लेगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट ऐड हो जाता है? नहीं नहीं, जैसे सपोज मैं स्टूडेंट हूँ तो जैसे आपने ऐप बनवाया ना तो बच्चे को तो पता होना चाहिए ना कि आपका ऐप है, तो आप ऐप डाउनलोड कराओगे उनसे, जब ऐप डाउनलोड कराओगे तो स्टोर सेक्शन आता है, स्टोर में कोर्सेज दिखेंगे तो परचेज कर पाएंगे, बट बच्चे का ऐप डाउनलोड करना इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, पर वो परचेज कर लिया जैसे उसने कोर्स, तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाता है? हाँ, जैसे मैंने सपोज ये कोर्स परचेज कर लिया ना, मैं अब इसके अंदर हूँ, जो भी कंटेंट है व्यू कर सकती हूँ। और जैसे विवेक सर का एक ऑप्शन था, जैसे आपने कोर्स बनाकर पब्लिश कर दिया, देखिए पब्लिश है ना कोर्स, आपको इसके अंदर दोबारा कंटेंट ऐड करना है इस कोर्स में कुछ, तो इस कोर्स को देखो सिंपली ओपन करना, देन कॉन्टेंट में आके जो भी ऐड करना है कर दो। ओके, एक बार स्टूडेंट्स पे जाना मैम, एक मिनट में जाती हूँ, मैं आपको ना एक कोर्स दिखाती हूँ जिसमें स्टूडेंट्स हैं। ओके, आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। ये देखिए ये कोर्स है, मैंने ये जैसे जस्ट डमी बना रखा है इसको जस्ट क्लाइंट्स के लिए। ओके, आपको शो कर दिया, जस्ट अ मिनट, इस कोर्स में क्या है, क्लास प्लस ट्रेनिंग। ये देखिए ये जैसे कोर्स है, ओके, ये मैंने डमी जस्ट बना रखा है, तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट परचेज करते हैं इस तरह से आपके पास लिस्ट रहती है। ओके ओके, और इनिशियली अपन जब कोर्स बना रहे हैं तो इनिशियली स्टूडेंट्स ऐड भी कर सकते हैं खुद से बिफोर पब्लिशिंग? हाँ, उसके लिए आपको बैकएंड से कनेक्ट करना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए अपने ग्रोथ मैनेजर से कनेक्ट करोगे, बताओगे उनको, देन उसके बाद होगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं कूपन का आप बताना रह गया था। हाँ, मैं सारा बताऊंगी, भी चैट्स बताऊंगी, कूपन कोड बताऊंगी, बैनर्स। अच्छा, नहीं उसमें एक्चुअली जब अपन कोर्स बना रहे थे ऊपर की तरफ एक कूपन का ऑप्शन था, वो मैंने जैसे ऑलरेडी बना रखा है ना इसलिए आ रहा था वो। ओके ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कूपन कोड, बैनर्स, नोटिफिकेशन, फ्री स्टडी मटेरियल, सारा चीजें बताऊंगी। तो यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ू? जी मैम, ठीक है। विवेक सर और रुद्र सर आप दोनों को भी क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। एंड रुद्र, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैट से स्टार्ट करती हूँ, जैसे चैट पे क्लिक करा आपने, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे स्टार्ट अ कन्वर्सेशन कर सकते हो, ग्रुप चैट स्टार्ट कर सकते हो, कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करने कर सकते हो, मल्टीपल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आप लोग यहाँ पे कोई भी कोर्स बनाएंगे ना उसके चैट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, जैसे इस कोर्स की हो गई। ओके, तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो होते हैं पार्टिसिपेंट्स, तो जैसे आपको इसके अंदर कोई मैसेज भेज रहे हैं मैसेज भेज सकते हो, कोई भी फाइल अटैच करना है, डॉक्यूमेंट इमेज आप अटैच कर सकते हो, और ऐप के थ्रू इसमें आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। देन आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो टर्न ऑफ रिप्लाई कर सकते हो, म्यूट कन्वर्सेशन कर सकते हो, क्लियर कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड आप कोर्स की इन्फॉर्मेशन देख पाओगे कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। अब मैं आपको दो चीज वर्बली बता रही हूँ, आप जब यहाँ पे कोर्स बनाकर पब्लिश करने लगेंगे ना तो आपको दो तरीके की चैट्स ऑटोमेटिकली दिखेगी, एक दिखेगी AI पावर लीड के नाम से, देखिए इस नाम से, तो इसमें नॉर्मल लीड्स होती है, इसमें उन बच्चों का नेम, नंबर एंड कोर्स होता है जो बच्चे जस्ट आपके कोर्स में विजिट करते हैं, जस्ट विजिट विजिट करेंगे। ओके, एक चैट आपको दिखेगी AI पावर लीड प्रो के नाम से, तो इसमें वार्म लीड्स एंड हॉट लीड्स होती है, वार्म लीड्स वो होती है जो आपके सेम कोर्स पर मल्टीपल टाइम्स विजिट कर लिया, एंड हॉट लीड्स वो होती है जो आपके कोर्स पर आए और बाय नाउ तक गए, बट वो कोर्स परचेज करने जा रहे थे बट फिर उन्होंने किसी भी रीजन से आपका कोर्स परचेज नहीं करा। ओके, तो ये आपको दो तरीके की चैट्स ऑटोमेटिकली दिखती है, आप इन बच्चों को जैसे इनका नेम है, नंबर है, इंटरेस्ट पता है, आप कॉल करके अपने लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हो, फॉलो अप ले सकते हो। ओके, सो आई होप क्लियर होगा। उसके बाद देखिए फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, तो फ्री स्टडी मटेरियल का पर्पस मैं बता देती हूँ, पर्पस बेसिकली ये होता है कि जो बच्चे आपके ऐप पर है उनके साथ एंगेजमेंट बनाकर रखने के लिए आप बच्चों को फ्री स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कुछ भी इम्पोर्टेंट मत देना बिकॉज ये डाउनलोडेबल होता है, तो जस्ट एंगेजमेंट के पर्पज से ही देना कि एंगेज रहे बच्चा आपके ऐप पर। तो इसमें जैसे क्या है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे ऐड पे क्लिक करोगे आप तो न्यू फोल्डर बनाकर भी दे सकते हो, जैसे फोल्डर टेप डाल दिया, कैटेगरी डाल दी, ऐड फोल्डर कर दिया।
इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट इमेज पीडीएफ आपको डालना डाल सकते हो, डायरेक्ट एड पे क्लिक करके न्यू फाइल आप डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हो, ओके, बिना फोल्डर बनाए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियोस का लिंक, ओके, तो जो भी आपकी यूट्यूब पर पब्लिक या अनलिस्टेड वीडियो है आपको जस्ट फॉर लाइक एंगेजमेंट के पर्पज से अगर उन वीडियो को दिखाना है बच्चों को तो आप यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक करना, एड पे क्लिक करना, न्यू फोल्डर बनाकर भी डाल सकते हैं, फोल्डर नेम कैटेगरी एड फोल्डर, उसके अंदर लिंक डाल दिया, या फिर डायरेक्ट आपको लिंक पेस्ट करना है तो यहाँ पे न्यू वीडियो पे क्लिक करके डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर सकते हो। ओके, मैं आपको जैसे बता देती हूँ कैसे करते हैं, किसी को भी कोई भी डाउट है तो जो भी आपकी यूट्यूब पर वीडियो आती है ना, यहाँ पे उन वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन होता है, शेयर पे क्लिक करके इस लिंक को कॉपी करना, देन आप इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना, इस तरह से चेक वीडियो पे क्लिक करोगे अपनी वीडियो की कैटेगरी भी आप क्रिएट कर सकते हैं, तो अभी के लिए अनकैटेगराइज कर देते हैं, देन जैसे ही आप ऐड वीडियो करेंगे आपकी वीडियो यहाँ पर एड ऑन हो जाती है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं कूपन कोड, तो कूपन कोड जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कब मिलता है हमें, जब हमें अपनी सेल इंक्रीज करनी होती है, राइट, या फिर लाइक कहीं पे भी आप जाते हो तो कहते हैं कि इतने का ले लो आपको इतने का ऑफ दे देंगे, 1500 का ले लो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, राइट, तो वो क्या उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए, कूपन कोड प्रोवाइड करती है, कोई भी ओकेजन आ गया, होली आ गई, दिवाली आ गई, तो कूपन कोड देते हैं, राइट, तो यहाँ पे आप लोग भी अपना कूपन कोड बना सकते हो। कूपन कोड बनाने के लिए आप क्रिएट कूपन पे क्लिक करना, और बेस्ट एग्जांपल देते हो अगर ऑनलाइन से आपको रिलेट करना है तो जैसे आप लोग अमेज़न फ्लिपकार्ट ऐप वगैरह यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे कूपन कोड होते हैं, राइट, जो आप अप्लाई करते हो तो आप रिलेट कर पाओगे, इसी तरह बनाते हैं। कूपन कोड बनाने के लिए क्रिएट कूपन पे क्लिक करना, यहाँ पे दो तरह के डिस्काउंट टाइप होता है, एक होता है फ्लैट डिस्काउंट, एक होता है परसेंटेज डिस्काउंट, तो एक कूपन कोड मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, सपोज फ्लैट डिस्काउंट का बना रही हूँ मैं, ठीक है, जितने का भी डिस्काउंट देना है अमाउंट डाल देना, स्टार्ट डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लेना कि मेरा कूपन कोड इस डेट एंड इस टाइम पे एक्टिव हो जाएगा। ओके, देन सपोज वीकेंड ऑफर है एक दिन के लिए तो आप यहाँ पे एंड डेट एंड टाइमिंग डाल देना। ओके, एंड डेट एंड टाइमिंग के बाद यहाँ पे सपोज आप कोई ऐसा कूपन कोड बना रहे हो जो आप चाहते हो अनलिमिटेड हो, तो जैसे ऑप्शन आ रहे ना चेक इफ यू वांट टू सेट वैलिडिटी लाइफ टाइम, आप इस पे क्लिक कर लोगे तो एंड डेट एंड टाइम अनलिमिटेड हो जाएगा, मीन्स वो कभी एक्सपायर नहीं होगा कूपन कोड। उसके बाद है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, जैसे आप 100 का डिस्काउंट दे रहे हो, अभी हमने कोर्स बनाया तो अगर स्पेसिफिक कोर्स के लिए बना रहे हो तो वो अमाउंट डालना, या आप यहाँ पे जैसे 499 डाला ना तो इट मींस क्या है इतने वाला कोर्स इससे ज्यादा वाला कोर्स ही एलिजिबल होगा कूपन कोड के लिए। ओके, इससे कम वाला नहीं होगा। ओके, देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जो भी आपको अट्रैक्टिव ऑफर नेम लगता है, होली ऑफर, दिवाली ऑफर, धमाका ऑफर, राइट, आप यहाँ पे ऑफर नेम डाल देना, उसके बाद कूपन कोड जनरेट करना, तो जब आप कूपन कोड जनरेट कर रहे हैं उसका ग्रीन टिक होना इट्स मैंडेटरी, ग्रीन टिक हो जाता है इट्स मीन आपका कूपन कोड जनरेट हो गया। नेक्स्ट आप कूपन टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कि पब्लिक रखना है प्राइवेट, सो पब्लिक का मतलब होता है सबके लिए, एंड प्राइवेट का मीन्स जिन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को आप सेलेक्ट करोगे ना उनके लिए होगा, तो पब्लिक तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इसलिए मैं प्राइवेट सेलेक्ट कर रही हूँ। ओके, देन कोर्स सिलेक्शन टाइप है, जैसे आप कूपन कोड बना रहे हो जितने भी कोर्स हैं सब पर एप्लीकेबल हो किसी स्पेसिफिक कोर्स पर, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन नंबर ऑफ टाइम्स कोड कैन बी यूज, कोड कितनी बार यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1000 लिखा रहता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने मार्केट ऑडियंस के थ्रू कितनी है। ओके, एंड इसको भी अनलिमिटेड करना है, आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। देन आता है यूसेस पर स्टूडेंट, कि एक बच्चा आपका ये कूपन कोड कितनी बार अवेल कर सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, राइट, तो आप यहाँ पे यूसेस डाल देंगे, तो यूजुअली वन ही रखते हैं यूसेस, बट इट्स अप टू यू। ओके, अगर आप प्राइवेट कूपन बना रहे हो तो आप सबको तो दिखाना पसंद नहीं करेंगे, राइट, तो इसको ऑफ कर देंगे, अगर पब्लिक है तो ऑन रखिए विजिबिलिटी, देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे अगर स्पेसिफिक कोर्स के लिए बना रहे हैं तो कोर्सेज की लिस्ट आती है, आपको उन कोर्स को सिलेक्ट करना होता है कि मेरा ये कूपन कोड इसी कोर्स पे एप्लीकेबल हो। ओके, देखिए जैसे इस तरह से आप मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आएगी, जिस स्टूडेंट को चाहते हो ये कूपन कोड यूज कर पाए आप उन स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लोगे इस तरह से। ओके, उनके पास चैट सेक्शन में मैसेज भी चला जाता है, देन आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आपका कूपन कोड जनरेट हो जाता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से जनरेट होता है, एक्टिव है तो एक्टिव लिखा आ रहा है, जब एक्सपायर हो जाता है एक्सपायर लिखा आता है, सपोज जैसे ज्यादा यूज हो गया आप चाहते हो और ना यूज हो तो आप थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको इनएक्टिव कर सकते हो, शो डिटेल्स पे क्लिक करके कूपन कोड की डिटेल्स देख सकते हैं, और इनएक्टिव करने के बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं कूपन कोड अपना। तो मुझे बताइए कूपन कोड क्लियर है आप तीनों को? कूपन कोड
ठीक है, एंड रुद्र सर माधवी मैम आप दोनों को। यस मैम। हाँ बताइए, इसमें अगर कोई स्टूडेंट रेफरेंस देता है और फिर मेरे को चाहिए कि उसको कोड मिले। ठीक है, तो आप क्या करना, कूपन कोड बनाना और फिर उस बच्चे को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, नहीं ओके ठीक है, इसमें रेफरेंस का कोई ऑप्शन नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, जैसे आप फिर क्या करेंगे ना, जैसे जब आप बना रहे हो, जैसे वाला कूपन कोड बनाया राइट, तो अब क्या है, आपने उस मेरे लिए बनाया था, अब मैंने आपको एक दूसरा रेफरेंस दिया है ना, तो या तो आप इसी को एडिट करके ना, जब इस कूपन कोड को डिटेल्स में जाके एडिट करके उस बच्चे को भी सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ऐप तो डाउनलोड कर लिया होगा, तो यही वाला उसको भी दे दो, या फिर रेफरेंस का दूसरा कूपन कोड बनाकर वो आप उसको असाइन कर सकते हैं। ओके ओके, मतलब स्टूडेंट का कोई अपन रेफर कोड नहीं बना सकते ना इसमें? नहीं, बच्चे का नहीं बना सकते। ठीक है, फिर वो बनाओगे तो जर्नल हो जाएगा, जैसे मतलब पब्लिक बना दिया, तो पब्लिक का मतलब है जो भी आए सारे कर लिए, तो वो जर्नल हो जाएगा फिर आपका। मैं जैसे रेफर और अर्न पे मैं चाहता हूँ कि अगर कोई हमारा कोर्स सेल करता है स्टूडेंट ही, तो उसको उसको अलग से मिले, उसको अलग से हम देना चाहते हैं कोर्स का, मान लीजिए 20% 50% देना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? सेम जैसे सपोज मैंने आपको दिया है ना, अब आप मुझे 20% ऑफ और देना चाहते हो राइट, यही मतलब है आपका? नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि आप हमारे स्टूडेंट है और आपने किसी थर्ड स्टूडेंट को रेफर किया, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी वो सेल करे उसको 20% उसको मिल जाए, 25% उसको मिल जाए। ओके, क्लाइंट जो मेरे जो रेफर किया उसको मिले, स्टूडेंट तो जैसे मैंने रेफर करा तो मुझे मिले ना, यही आप कह रहे हो ना? हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो जब आप कूपन कोड बनाओगे ना तो मुझे सेलेक्ट करोगे और जितने का भी देना आप दे दो, है ना? क्योंकि मतलब वो मैनुअली करना पड़ता है उसमें सिस्टम में। हाँ। ऐसा रेफर एंड और करके मतलब कि ऑप्शन राइट, ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे आपने मुझे दे दिया अब मैं ये कूपन कोड किसी और के साथ शेयर कर दूं, ऐसा नहीं होगा राइट, अगर मुझे दिया तो मैं यूज कर सकती हूँ, वो अपने अमाउंट पे ले, जैसे आपने मुझे दे दिया, अगर सपोज जिसको मैंने रेफर करा है उसको आप देना चाहते हो, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि सर उसने ऐप डाउनलोड कर लिया है आपका, जो कूपन कोड उसमें या तो एडिट कर दो या दूसरा कूपन कोड बनाकर उसको असाइन कर दो, करना पड़ेगा आपको एक काम। हाँ जी ठीक है, तो जैसे सिंपल एग्जांपल लीजिए ना, अमेज़न वगैरह देखते हैं, तो अगर हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो वहां पे फर्स्ट सेल आती नहीं है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आप यूज कर सकते हो, कोई दूसरा को रेफर नहीं कर सकते राइट, ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, आप रिलेट कर पाओगे। क्लियर? नहीं मैम, मैं चाह रहा हूँ कि मैम हमारे यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आए या कोई स्टूडेंट हो या ना हो, अगर वो हमारे ऐप को लॉगिन करके किसी को सेल करवाता है तो उसको भी हम मतलब कमीशन दे उसको। हाँ, तो वो वही हम आपको बता रहे हैं सर, उसके लिए ना आपको ना अलग से उसके लिए ऐड कूपन कोड बनाना पड़ेगा। ओके, जैसे सपोज मैं यहाँ पे आपको 10 बच्चे लाकर दे रही हूँ हर महीने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मुझे ना आपको ना अलग से आप मेरे लिए कूपन कोड बनाओगे, स्पेसिफिक प्राइवेट कूपन बनाओगे, फिर आप मुझे वो कूपन कोड दे दोगे, ये मतलब है ठीक है, बट आपको बनाना पड़ेगा एक कूपन कोड मेरे लिए। ओके ठीक है, हाँ मैन्युअली करना पड़ेगा आपको एक काम। और जो आप वो बता रहे थे कंटेंट मार्केटिंग वाला, अगर वैसा करे तो भी तो हो सकता है? कंटेंट मार्केट तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो दूसरी चीज हो गई ना, वो तो ये है आप अपना कोर्स या तो कंटेंट मार्केट में डाल रहे हो, कोई दूसरा ट्यूटर रीसेल कर रहा है ठीक है, और वहां पे एक सेकंड चीज ये होती है कंटेंट मार्केट में, या आप किसी दूसरे के ट्यूटर का कोर्स लेकर आगे रीसेल कर रहे हो, तो जो आपकी ऑडियंस यहाँ पर होगी ऑलरेडी बच्चे, तो जो आपके ऐप पर वो डायरेक्ट ले लेंगे, आप किसी दूसरे के कोर्स में इतना एफर्ट्स क्यों डाल रहे हो उसको रीसेल कराने में राइट? हाँ ना, आप अपना जितना एफर्ट्स अपने कोर्स पे डालेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, बट इट्स अप टू यू, जैसा आपको कंटेंट मार्केट में कोर्स मिला, आपके पास कंटेंट नहीं है राइट, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, जैसे मैंने रीसेल कराया उस कोर्स को आगे, मैंने बोला ऐप डाउनलोड करो उस कोर्स को परचेज करो, तो मैं आपको बताऊंगी ना सर कि ये स्टूडेंट मेरे थ्रू आए हैं है ना, तो उन्होंने कोर्स परचेज करा, अब आप क्या करोगे, आपने बोला ठीक है जब मेरा दूसरा कोर्स आएगा आपको मैं 10% का ऑफ एक्स्ट्रा दे दूंगा, तो आप मेरे लिए कूपन कोड बना दोगे ठीक है? ठीक है मैम। ओके, उसके आगे देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे आपका नेम आता है नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, सो नोटिफिकेशन इज अगेन योर मार्केटिंग पैनल, मैं प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल दे देती हूँ कि आप रिलेट कर पाए, आप जैसे अमेजोन स्विगी पेटीएम वगैरह यूज करते हो तो आपने देखा है कितनी रैंडमली नोटिफिकेशन आती है राइट, तो ऐसे ही ये नोटिफिकेशन आपके ऐप पर बच्चों को जाती है, नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे आपको रिसीव नोटिफिकेशन देखती है जो हमारे एंड से आती है, सेंड जो आप भेजते हैं, शेड्यूल्ड कभी आप बिजी हो तो आप नोटिफिकेशन शेड्यूल कर सकते हैं, उस डेट एंड टाइम पे ऑटोमेटिकली चली जाती है
नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पे क्लिक करना, तो यहाँ पे सेलेक्ट रिसिप्टेंट्स में प्लस पे क्लिक करके आप रिसिप्टेंट सेलेक्ट कर लोगे कि ऑल ऐप डाउनलोड्स के लिए है, न्यू ऐप डाउनलोड्स के लिए है, नॉट इन एनी बैचेस, नॉट परचेज एनी कोर्स, जिसके लिए भी बना रहे हो सेलेक्ट करके डन कर देना। देन अपने नोटिफिकेशन का टाइटल डाल देना कि पर्पस क्या है, किस बेसिस पे आप नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला एक्सप्लोर न्यू कोर्सेज, आपने न्यू कोर्स लॉन्च करे हैं उसी से रिलेटेड देना चाहते हैं, तो आपने लिख दिया एक्सप्लोर न्यू कोर्सेज। उसके बाद अच्छा सा अगर आपको टेक्स्ट मेंशन करना है, टेक्स्ट भी मेंशन कर सकते हो कि हे ऑल इट्स टाइम टू स्टडी, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू कोर्स, राइट। तो आप टाइटल और टेक्स्ट डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद ऐड इमेज, अगर आपको नोटिफिकेशन के साथ कोई इमेज भेजनी है आपके पीसी में है तो ऐड इमेज पे क्लिक करके आप वो इमेज भेज सकते हो। ओके, यहाँ पर होती है, आप अटैच कर लेंगे। तो जो पीसी की इमेज होती है वो 1000x500 होना चाहिए। देन यहाँ पे अगर सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी में कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट इमेजेस भी होती है, आप इनका भी यूज कर सकते हो। तो आप टैप करना जो भी इमेज आपको अच्छी लगती है, पूरा देख लेना। देन आप यहाँ पर सिलेक्ट इमेज करेंगे तो ये इमेज अटैच हो जाती है। उसके बाद आप लैंडिंग स्क्रीन सेलेक्ट कर लोगे कि आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ शो करनी है, होम स्क्रीन पे दिखे, स्टोर टैब पर दिखे, किसी स्पेसिफिक कोर्स पर दिखे। जैसे मैंने स्टोर सेलेक्ट करा, डन कर दिया, तो जो बच्चे के पास वापस जाएगा नोटिफिकेशन का, या अपने नोटिफिकेशन सेक्शन में देखेगा, तो जब इस पर क्लिक करेगा तो उसके स्टोर टैब पर सीधा रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, जहां पे आपके सारे कोर्सेज दिखेंगे। अगर आपको ये नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट भेजना है, यहाँ पे सेंड हाईलाइट होकर आता है, आप सेंड पे क्लिक करना, ऑन द स्पॉट चला जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन शेड्यूल करना है तो आप शेड्यूल फॉर लेटर का टॉगल ऑन करना, डेट एंड टाइमिंग सेट कर देना। जो भी डेट एंड टाइमिंग सेट करेगा तो आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, आपकी नोटिफिकेशन एंड उस डेट एंड टाइम पे ऑटोमेटिकली चली जाती है, ठीक है। आपकी नोटिफिकेशन बच्चों को देखो कुछ इस तरह से दिखती है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, टाइटल, टेक्स्ट एंड जो आप इमेज भेजते हैं। क्लियर है नोटिफिकेशन? मधुवी मैम, विवेक सर, रुद्र सर, क्लियर है नोटिफिकेशन? एक बार इन शॉर्ट वापस बता देंगे एक बार नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन मैम आपने देखा होगा जैसे अमेजोन, स्विगी वगैरह यूज करते हो तो वो पॉपअप आते रहते हैं, राइट, कितने का डिस्काउंट चल रहा है या किसी से भी रिलेटेड नोटिफिकेशन है, राइट। तो सबसे बेस्ट वे होता है अपने जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, उन तक कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजने का नोटिफिकेशन बना दो। तो नोटिफिकेशन बनाने के लिए नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, रिसीव नोटिफिकेशन दिखेगी जो हमारे एंड से आती है, सेंड जो आप भेजते हैं, कभी आप बिजी हो तो नोटिफिकेशन शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, देन आप क्रिएट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले प्लस पे क्लिक करके रिसिप्टेंट सेलेक्ट कर लेना, आप नोटिफिकेशन किसके लिए बना रहे हैं। उसके बाद टाइटल डाल देना कि पर्पस क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, और टेक्स्ट अच्छा सा मेंशन कर देना, थोड़ा अट्रैक्टिव सा। ओके, टाइटल टेक्स्ट के बाद अगर आपको नोटिफिकेशन के साथ कोई इमेज भेजनी है, अपने पीसी से भेजना है, तो एड इमेज करके पीसी से भेज सकते हो, 1000x500 का रेजोल्यूशन होगा, या आपको अपनी लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी की इमेज यूज करनी है जो ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, तो आप इन इमेजेस का भी यूज कर सकते हो। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है। उसके बाद आप लैंडिंग स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे कि आपको नोटिफिकेशन कहाँ दिखानी है, होम स्क्रीन पे दिखानी है, स्टोर टैब पर दिखानी है, किसी स्पेसिफिक कोर्स पर दिखानी है, जहां भी शो करनी है सेलेक्ट करके डन कर देना, बच्चे को नोटिफिकेशन वही दिखेगी। ओके, ऑन द स्पॉट भेजोगे, यहाँ पे सेंड हाईलाइट होकर आएगा, ऑन द स्पॉट चला जाएगा। अगर आपको शेड्यूल करना है तो शेड्यूल फॉर लेटर का टॉगल ऑन करके डेट एंड टाइमिंग सेट कर देना, देन जैसे आप शेड्यूल करोगे नोटिफिकेशन शेड्यूल हो जाती है एंड उस डेट एंड टाइम पे ऑटोमेटिकली चली जाती है, एंड कुछ इस तरह से दिखती है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, टाइटल, टेक्स्ट एंड जो आप इमेज भेजते हैं। क्लियर? क्लियर मैम? यस मैम। ओके, नोटिफिकेशन इज जस्ट साइड में, देखिए बैनर ऐप में दिखता है ना मैम, ये मोबाइल पे डिस्प्ले नहीं होगा नोटिफिकेशन, उनको नहीं, नोटिफिकेशन का ऑप्शन मोबाइल पर भी आता है, फोन पर भी आता है। ओके, फोन पे मतलब छोटे में, ये फोन पर भी आता है, और इवन जैसे जब आप सीएमएस की ट्रेनिंग लेंगे ना, अभी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी, वहां पे जब हम मोबाइल ऐप डिस्कस करेंगे तो आपको दिखा भी देंगे ऑप्शन। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए नोटिफिकेशन के जस्ट साइड में बैनर का ऑप्शन आता है, सो बैनर इज अगेन योर मार्केटिंग बैनर। ओके, आप बैनर कब डालोगे, जब आपको अपने कोर्स का प्रमोशन करना होगा, टेस्ट सीरीज का प्रमोशन करना होगा, कोई वेबिनार वगैरह कर रहे हैं, राइट। तो ये बैनर बच्चे के होम स्क्रीन पे दिखता है, कोई ऑलरेडी ऐप पर है या न्यू इंस्टॉल कर रहा है, उनको होम स्क्रीन पे दिखता है बैनर बेसिकली। ओके, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग रिलेट कर पाए। तो जैसे आप लोग सब अमेजोन तो यूज करते ही होंगे, अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, कोई भी ऐसी शॉपिंग साइट्स हो गई,
ओके तो आपने देखा होगा एग्जांपल, जैसे जब आप वो ऐप ओपन करते हो ना, तो जो सबसे पहले होम स्क्रीन पे आ रहे होते हैं वो बैनर्स ही आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट आ रहे हैं, शूज का आ रहे हैं, देन आप उनपे क्लिक करते हो तो वही प्रोडक्ट ओपन हो जाते हैं, राइट। तो इसी तरह ना ये बैनर बच्चे के होम स्क्रीन पे दिखता है और आप भी यहाँ पे टैपिंग स्क्रीन सेलेक्ट कराओगे। कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे ना आप अप टू 6 बैनर तक डाल सकते हो, हर एक बैनर को रीऑर्डर कर सकते हैं, एंड बैनर का साइज में होना इट्स मैंडेटरी। तो बैनर का साइज यहाँ पे मेंशन रहता है, एक मैं रिमूव कर देती हूँ। बैनर का जो साइज होता है वो 942x510 की रेजोल्यूशन में होना मैंडेटरी होता है। ओके, बैनर ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, अपलोड बैनर इमेज पे क्लिक करना, जो भी बैनर डालना है आपने बना रखा है आप सेलेक्ट करके ऐड कर देना। जैसे सपोज हमने जो स्टॉक मार्केट का कोर्स बनाया था उसी से रिलेटेड बैनर ऐड कर दिया यहाँ पर। ओके, तो जब आप बैनर डालोगे हर एक बैनर के नीचे दो ऑप्शन होता है, सेलेक्ट द स्क्रीन टू ओपन टैपिंग बैनर। तो आप चेंज पे क्लिक करके हर एक बैनर की अपनी टैपिंग स्क्रीन सेलेक्ट कर सकते हो कि बच्चे को ये होम स्क्रीन पे दिख रहा है तो बच्चे इस बैनर पे क्लिक करे तो क्यों ना वहीं पे रीडायरेक्ट हो जाए जहां कराना चाहते हैं। जैसे स्टोर टैप पर कराना है, किसी स्पेसिफिक कोर्स पर कराना है कि ये बैनर पे क्लिक करे तो वही कोर्स ओपन हो जाए, तो आप कोर्स सेलेक्ट कर लोगे। जैसे इस तरह से मल्टीपल कोर्सेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डन करेंगे तो बच्चा जब इस बैनर पे क्लिक करेगा यही कोर्स ओपन हो जाएगा। सेम कैटेगरी ऑफ कोर्स होता है, एक्सटर्नल लिंक है, यूट्यूब वीडियो, जहां पे भी रीडायरेक्ट कराना है आप सेलेक्ट करके डन कर देना। ओके, बच्चा जब क्लिक करेगा वहीं पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। देन जैसे ये बैनर आपके प्रमोशन के लिए होता है, तो यू वांट कि ये बैनर एक फिक्स डेट के बाद हट जाए आपकी होम स्क्रीन से, तो यहाँ पे रिमूव बैनर ऑटोमेटिकली फिक्स डेट का ऑप्शन आता है। आप टॉगल ऑन करके जो भी डेट सेलेक्ट करोगे उस डेट के बाद बैनर ऑटोमेटिकली हट जाता है। ओके, तो इस तरह से आप बैनर डालते हैं, आपके ये बैनर बच्चे के होम स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिखता है, यू कैन सी। ओके, इस तरह से सीक्वेंस में बैनर दिखेगा। अगर बैनर साइज में होता है आप पब्लिश पे क्लिक करके यस पब्लिश कर दोगे, बच्चों को बैनर विजिबल हो जाता है। क्लियर है बैनर यहाँ तक? बैनर क्लियर है, फिर मैं एक लास्ट फीचर आपको बताती हूँ। मैम बैनर में ये फर्स्ट मेन वाले बैनर पे तो ऑप्शन आ गए, अगर उधर मैं और बैनर्स ऐड करती हूँ तो फिर कैसे डालना रहेगा? ऑप्शन आएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे एक बैनर डाल रखा है ना हमने, हम और बैनर एक और इमेज ऐड करके दिखाती हूँ आपको। देखिए सेम ऐसे आ जाते हैं ऑप्शन, ये बैनर ऐड हो रहे हैं। अब देखिए इसके नीचे भी आ गया टैपिंग स्क्रीन है रिमूविंग डेट का, ठीक है, ये दोनों आते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप करोगे और इधर नीचे कोर्सेज और चैट्स और प्रोफाइल का ऑप्शन अलग से क्यों दिया? ये प्रीव्यू दिखा रखा है, ये प्रीव्यू दिखा रखा है कि बच्चे के होम स्क्रीन पे ऐसे दिखते हैं। ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रखा है, इस साइड वाला है आपकी यूज का। ओके, ठीक है। अब देखिए लास्ट ऑप्शन आता है वेबसाइट मेन्यू। प्रोफाइल हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, सेटिंग करते हैं, सेटिंग्स में देखिए रिफ्रेश कर देते तो ये लास्ट ऑप्शन है, एक बार वेबसाइट मेन्यू हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेटिंग्स में देखिए पहले जनरल सेटिंग है, जनरल सेटिंग में जैसे वेब नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं तो बच्चे के पास वेब पर भी नोटिफिकेशन जाएगी, ऑफ रखेंगे नहीं जाएगी। ओके, स्टोर है, स्टोर का कंटेंट गलती से भी ऑफ कर दोगे तो जो बच्चे के एंड पे होता है वो स्टोर ऑफ हो जाएगा, दिखेगा नहीं, ऑन रखेंगे दिखेगा। ग्रुप स्टडी का ऑप्शन है, अगर आप ये टॉगल ऑन रखेंगे तो जो बच्चे आपके ऐप पर है वो खुद से ग्रुप बना सकते हैं। अगर वो ग्रुप बनाते हैं तो आप डिटेक्टिव मोड पे रहोगे, आप देख सकते हो बच्चा उस ग्रुप में कर क्या रहा है, बट ये बात बच्चे को नहीं बताती। देन जैसे आप लोगों ने बोला हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो हम कोर्स वगैरह बनाकर पब्लिश कर देंगे, हो सकता है आपके पास कूपन कोड बैनर्स बनाने का टाइम ना रहे, है ना, बिजी रहते हो अदर क्लासेस वगैरह में, तो आप यहाँ पे केयर टेकर भी ऐड कर सकते हो। केयर टेकर ऐड करने के लिए आप ऐड केयर टेकर पे क्लिक करना, उनका नेम डाल देना, नंबर डाल देना। ये 6 फीचर एक्सेस होते हैं जो आप केयर टेकर को दे सकते हो। तो जो भी टॉगल ऑन करके आप ऐड केयर टेकर करोगे, जब केयर टेकर आपका उस नंबर से लॉग इन करेगा आपके ऐप पर, तो उनके पास ये फीचर एक्सेस होगा और आपके बिहाफ पे वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे केयर टेकर ऐड कर सकते हैं। केयर टेकर के बाद देखिए यहाँ पे जनरल सेकंड सेटिंग्स के बाद सिक्योरिटी सेटिंग का ऑप्शन है, ये न्यू आया है, जस्ट न्यू फीचर है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एंटी पायरेसी वाटरमार्क, अगर आप ये टॉगल ऑन रखेंगे तो सपोज जैसे कोई भी बच्चा आपका कंटेंट मिसयूज करता है, वेब की परमिशन दे दी वेब से, लाइक उसके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे उसने मिसयूज करा, तो अगर आपने इसे ऑन कर रखा है हम उस बच्चे का नेम एंड नंबर ट्रेस कर सकते हैं, जहां पे भी कंटेंट मिसयूज करा है वहां से हटा सकते हैं और पता लगा सकते हैं किसने करा है। ओके, ऑफ रखोगे तो फिर नहीं पता लगा पाएंगे। ओके, एंड अगर आप ये टॉगल ऑन रखेंगे तो अगर आपने वाटरमार्क अपलोड कर रखा है तो जो कोर्सेज में वीडियोस है या आप लाइव क्लास ले रहे हैं सब पे आपका वाटरमार्क लगकर आता है। तो
आप अपना वाटरमार्क अपलोड कर सकते हो यहाँ पर, तो जो भी वाटरमार्क अपलोड करते हैं साइज मेंशन है यहाँ पर ऑलरेडी, तो वो आपके कोर्सेज में जो भी वीडियोस होती है लाइव क्लास होती है टॉप राइट हैंड साइड में आपका वाटरमार्क लग कर आता है, तो अपना वाटरमार्क अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है सेफ्टी नेट चेक। अगर आप ये टॉगल ऑन रखती हैं तो जस्ट सपोज लाइक आपके ऐप पर जैसे कोई बच्चा है उसके लाइक लैपटॉप या पीसी में कोई ऐसी एमुलेटेड डिवाइस है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कंटेंट मिसयूज हो सकता है, हमें नहीं पता होता ना राइट। तो अगर इसे ऑन रखा है हम उस बच्चे को, हमें पता चल जाता है कि किसके उसमें है और उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। ओके उसके बाद है यहाँ पे डिवाइस रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो आई वुड सजेस्ट नो डिवाइस रिस्ट्रिक्शन कभी भी मत लगाना, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा आपके कंटेंट रीच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज क्यों, जैसे सपोज मैंने लिया, आपने नो डिवाइस रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, मैं किसी को भी लॉग इन करा सकती हूँ, तो आप नो डिवाइस का कभी भी मत लगाना। आप क्या कर सकती हूँ कि जैसे आप बच्चों को परमिशन दे दो या ऐप से लॉग इन करोगे तो ऐप से लॉग इन कर रहे हो, तो अगर वेब से लॉग इन आउट हो जाता है वेब से कर रहे हो तो ऐप से लॉग आउट हो जाएगा। ओके या आपने बोला ठीक है एट अ टाइम आप ऐप से भी कर लो और वेब से भी लॉग इन कर लो, ठीक है, या आपने बोला ठीक है ऐप और वेब से कर रहे हो बट किसी अगर थर्ड डिवाइस से लॉग इन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। ओके तो ये डिवाइस की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो आपको बेस्ट लगेगी वो लगा देना। ओके उसके बाद देखिए मैनुअल ओटीपी का ऑप्शन है, अगर आप ये टॉगल ऑन रखेंगे तो आपने देखा होगा जब हम लॉग इन करते हैं हमारे पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करके देन हम पोर्टल लॉग इन करेंगे। अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो वो ओटीपी ऑटो रीड कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर ऑफ रखेंगे तो आपका ही बेनिफिट है, वन डिवाइस वन स्टूडेंट लॉग इन करने का, बिकॉज मैं अगर किसी के साथ ओटीपी शेयर नहीं कर पाऊंगी तो वो कर भी नहीं पाएगा, ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ओके तो आप ओटीपी का यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगेन वेबसाइट मेन्यू पे आते हैं, सेटिंग्स के बाद है नेक्स्ट ऑप्शन कॉइन्स। कॉइन्स में देखिए हाउ टू अर्न कॉइन्स में सारी डेली एक्टिविटीज है, जब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो जैसे कोर्स पब्लिश करा, नोटिफिकेशन भेजा, फ्री स्टडी मटेरियल ऐड करा राइट, तो आप जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हो आपको कॉइन्स क्रेडिट होता है, आप इसको रिडीम नाउ पे क्लिक करके बार स्क्रॉल करके रिडीम कॉइन्स करोगे तो उतने आपको फ्री एसएमएस मिल जाते हैं। ओके तो आप इन कॉइन्स के जैसे आप ऐप परचेस करते हो ना आपको 10,000 एसएमएस मिलते हैं, तो उसी में ये भी एड ऑन हो जाते हैं, तो आप कॉइन्स रिडीम कर सकते हो। कॉइन्स के बाद है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपका कॉइन स्टेटस दिखता है, कितने एसएमएस लेफ्ट रहेगा वो दिखेगा, रिचार्ज नाउ पे क्लिक करके रिचार्ज कर सकते हो, 12 पैसा कॉस्टिंग पड़ती है। ओके एंड स्टोर में डाउनलोड लाइव स्ट्रीमिंग इज टोटली फ्री फॉर यू, इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद देखिए डाउनलोड रिपोर्ट्स। डाउनलोड रिपोर्ट्स में सारी रिपोर्ट्स होती है, कोई भी रिपोर्ट आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कोर्स इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, आपने रेंज सेलेक्ट करा एंड जैसे एक्सपोर्ट डाटा करेंगे मेल आ जाएगा। सेम है जो भी आप कोर्सेज में टेस्ट लेते हो उसकी भी रिपोर्ट आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन आता है टेस्ट रिपोर्ट इन कोर्सेज, आपने सेलेक्ट करा कोर्स सेलेक्ट करा, ठीक है, कोर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेस्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल टेस्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे एक्सपोर्ट डाटा करोगे आपके पास मेल आ जाएगा। ओके उसके बाद देखिए डैशबोर्ड के बाद है स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर्म। स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर्म में ये स्टूडेंट ऐप पे ना जब बच्चा आपका ऐप डाउनलोड करता है तो वहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आता है स्टूडेंट का, तो ये बच्चों के लिए ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो, इनको रीऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी न्यू सेक्शन ऐड करना है तो आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करना, जैसे आपने एक सेक्शन ऐड कर दिया अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करा तो एग्जाम नेम का एंड उसके अंदर लेबल डाल दिया एग्जाम टाइप राइट, तो कोई बच्चा अगर फिलफिल कर रहा होगा, कोई भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होगा तो फिल कर देगा राइट, एंड जब वो फिल कर देगा आप जब डैशबोर्ड से स्टूडेंट प्रोफाइल डाटा निकालोगे तो यू विल गेट द आइडिया कि बच्चे को कौन सा कोर्स चाहिए, देन आप उनके अकॉर्डिंग कैटर कर पाएंगे। ओके तो जैसे यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर लेबल्स होता है अपने अकॉर्डिंग आप सेट करते हो, सेम एज पर्सनल डिटेल्स है इनके अंदर लेबल्स होता है आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो, ठीक है, एड्रेस है जो भी आपको लगता है, तो ये स्टूडेंट का प्रोफाइल फॉर्म आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे देन आप पब्लिश फॉर्म पे क्लिक करके पब्लिश कर देंगे, आपका फॉर्म पब्लिश हो जाता है, ठीक है, तो अपना स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर्म आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। देन मर्चेंट डैशबोर्ड है, मर्चेंट डैशबोर्ड में आपको आपकी पूरी रेवेन्यू दिखती है कि आपने टोटल रेवेन्यू कितनी अर्न करी, नंबर ऑफ परचेजेस कितने थे, ट्रांजेक्शन दिखता है, स्टूडेंट कोर्स ऑर्गेनाइजेशन डेट अमाउंट। ओके फिल्टर डालकर भी देख सकते हैं ओन बाय मी ओन बाय माय इंस्टीट्यूशन ये किस कोर्स के थ्रू आपको कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है, ये सारा आपको मर्चेंट डैशबोर्ड में दिखता है। उसके बाद देखिए मर्चेंट डैशबोर्ड के बाद है रजिस्टर्ड यूजर। रजिस्टर्ड यूजर में सारे आपके ऐप डाउनलोड्स होते हैं, फिल्टर डालकर भी आप देख सकते हो स्टूडेंट पेरेंट एंड ब्लॉक्ड यूजर। तो ब्लॉक्ड यूजर वो होंगे जो बार बार आपके ऐप को मल्टीपल डिवाइस से लॉग इन करते हो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, तो कोई भी ब्लॉक्ड है यहाँ पर भी दिख जाएगा, ये ऑल में भी उसके आगे ब्लॉक लिखा है, कोई भी ब्लॉक है उसको आप सेलेक्ट करना,
सेलेक्ट करने के बाद डिलीट के जस्ट साइड में अनब्लॉक लिखा आएगा, आप उसको अनब्लॉक कर सकते हैं. ओके, रजिस्टर्ड यूजर के बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प एंड सपोर्ट. तो आपको ऐप यूज करने में कभी भी किसी तरह का बग्स आ रहा हो, प्रॉब्लम आ रहा हो, आप फील फ्री हेल्प एंड सपोर्ट पे कनेक्ट करिए, कॉल बैक रिक्वेस्ट करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, नोटिफाई भी करिए. लास्ट ऑप्शन है लॉग आउट. लॉग आउट करेंगे तो आपका वेब पोर्टल लॉग आउट हो जाएगा. तो किसी को वेबसाइट मेन्यू में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो आपकी बेसिकली यही स्टोर की ट्रेनिंग थी. ओके, एक बार मैं आप तीनों को रिकॉल कराती हूँ मैंने क्या क्या चीजें कराई हैं. एक खाली एक चीज है, यूट्यूब लिंक की बात की थी एक सर ने, तो आप बोले थे बाद में बताओगे, तो कोर्स के अंदर हम यूट्यूब लिंक डाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, कोर्स के अंदर नहीं डाल सकते, बिकॉज ना आप कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों को, तो वहां पे ना कोई मतलब वो लॉजिक नहीं बनेगा कि आप यूट्यूब का लिंक डाल रहे हो, फिर तो बच्चे के माइंड में आएगा ना कि मैं यूट्यूब से ही पढ़ लूं, राइट? इसलिए हमने वो फीचर वहां पे नहीं दे रखा. अब कोर्स में जो डालोगे, जैसे सपोज आप कोई भी अपनी यूट्यूब की वीडियो भी डालना चाह रहे हो ना, तो आप अपना वो वीडियो डाउनलोड कर लो फिर डाल दो, ऐसे कर सकते हैं. और लिंक अगर डालना है यूट्यूब का, जैसे आपको लगता है जस्ट फॉर एंगेजमेंट के लिए बेसिक वीडियोस है, तो जो मैंने फ्री स्टडी मटेरियल बताया था वहां पे ऐड कर दो आप. ओके, ठीक है. तो एक बार मैं आप लोगों को रिकॉल कराती हूँ मैंने क्या क्या चीजें कराई हैं आप तीनों को, देन आपको कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लो. तो जैसे कि मैंने आपको स्टोर कराया, स्टोर की आपकी ट्रेनिंग थी, तो कोर्स पूरा बनाना सिखाया, कैसे बनाओगे, कॉन्टेंट कैसे ऐड करोगे, रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाओगे, लाइव क्लास कैसे लोगे, फैकल्टी कैसे ऐड करोगे, देन आपने अपना कोर्स बनाकर पब्लिश करा. ओके, ये बताया मैंने आपको, कंटेंट मार्केट बताया था स्टार्टिंग में, कूपन कोड बनाना बताया, बैनर्स बताए, राइट, नोटिफिकेशन क्रिएट करना बताया, फ्री स्टडी मटेरियल बताया, एंड अभी हमने वेबसाइट मेन्यू डिस्कस करा और चैट्स बताई थी. ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आज आपको सेशन में कराई हैं. आप तीनों का एक टास्क रहेगा, आपने क्या करना, इसकी रिकॉर्डिंग ले लेना, और आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर अपना एक कोर्स बनाना है, रिस्ट्रिक्शंस लगाना है, कंटेंट ऐड करना है, जो भी अवेलेबल कंटेंट होगा, सपोज अगर नहीं भी है ना, तो एक कोई कंटेंट ऐड करके अपना कोर्स पब्लिश करना. बिकॉज जब आप खुद से परफॉर्म करोगे तभी आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि हम ये चीजें कैसे कर रहे हैं. ओके, अभी जैसे वर्बली सुना, जब आप खुद परफॉर्म करोगे आप तीनों, तो आपको और ज्यादा बेटर आइडिया मिलेगा, कोई भी डाउट होगा तो आप फिर से पूछ पाओगे और अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे. ओके, तो ये आपका टास्क रहेगा जो आप तीनों को कल तक कर लेना है, एक बार आप कर लेना, एंड या फिर अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग से पहले कर लेना तो उतना ही बेटर रहेगा. ओके, एंड अभी यहाँ तक कोई डाउट किसी को कुछ भी पूछना है? क्लियर है? एंड विवेक सर एंड रुद्र सर आपको क्लियर है? मैम क्लियर है, ग्रेट. तो जो मैंने आपको टास्क दिया ना, एक बार आप लोग खुद से करना, और कभी भी कोई भी डाउट आए फील फ्री, दोबारा आप सेशन बुक करके, डाउट सेशन बुक करके आप ट्रेनिंग ले सकते हो. ओके, बट एक बार करना जरूर, तभी आप लोगों को बेटर क्लियर होगा. ओके, एंड ये जो आप लोगों को क्या करना है, जैसे स्टोर की ट्रेनिंग हुई, आपकी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, जैसे किसी का यूज सीएमएस है अपने यूज अकॉर्डिंग, तो आप अपना नेक्स्ट ट्रेनिंग बुक कर देना, सीएमएस की कर देना पहले तो. ओके, एंड ये जो ट्रेनिंग हुई इसके रिगार्डिंग अब तीनों को एक फीडबैक कॉल आएगा, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर शेयर करना कि आपको ट्रेनिंग कैसी लगी, कैसे समझ आए. ओके ओके ओके, एंड मैं आप तीनों का एक कम्युनिटी फॉर्म भी फिल करूंगी. तो बेसिकली आप तीनों जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारा उन स्टेट का एक ग्रुप है और आपकी ही स्टेट उसमें सारे टीचर्स होते हैं, तो कैसे अपना ग्रोथ करना है, कैसे प्रमोशन करना है, क्या वेज होते हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स उस ग्रुप में बताया जाता है. और आपकी ही स्टेट के टीचर्स हैं, काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उनके साथ आप कोलैब भी कर सकते हो. ओके ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड. अगर आप तीनों को कोई भी डाउट है कुछ हो सकता, अदरवाइज हम मीटिंग एंड कर सकते हैं. ओके ठीक है, तो थैंक यू सो मच विवेक सर, माधवी मैम एंड रुद्रा सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू विवेक सर. माधवी मैम आप कुछ पूछ रहे हो? माधवी मैम लेफ्ट. ओके, एंड रुद्र सर आपको क्लियर है सारा? यस मैम क्लियर है. तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना. थैंक यू सो मच. थैंक यू, बाय.